हमारी कहानी के हीरोइन हानी जो हाई स्कूल में पढ़ती है और उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हानी स्कूल जाती है सिर्फ अपने क्रश के लिए और हर वक्त सिर्फ उसी के सपने में खोई रहती है। वहीं दूसरी तरफ हानी का क्रश सियोंग हाई स्कूल का सबसे हैंडसम, गुड लुकिंग और जीनियस स्टूडेंट है। हमेशा परफेक्ट स्कोर रहते हैं। सियोंग स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही जाता है। उसके डिक्शनरी में लव जैसा कुछ नहीं है। उसका गोल है केवल स्टडी पर ध्यान देकर लाइफ में कुछ करना। हालांकि इतना जीनियस है कि उसे ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है। स्कूल की सभी लड़कियां सियोंग पर फिदा हैं, लेकिन सियोंग हानी का 4 साल पुराना क्रश है। वो तो उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड भी मान चुकी है। हानी अपनी फीलिंग के बारे में सियोंग को बताना चाहती है, पर जब भी सियोंग उसके सामने आता है उसके मुंह की आवाज तक नहीं निकलती। हानी अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करती है। हानी के 2 फ्रेंड्स हैं मीना और जूरी। ये भी उसी की तरह अव्वल लेवल की पढ़ाई में नलायक हैं, लेकिन प्यार के मामले में तेज। हानी अपने फ्रेंड्स को बोलती है, शायद सियोंग शाय लड़का है, इसलिए वो मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहा है। मुझे ही कोई वंडरफुल तरीके से उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करनी पड़ेगी। हानी की फ्रेंड उसे आइडिया देती है, डांस और म्यूजिक के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश करो। लेकिन हानी को पता है सियोंग उसे पक्का डांस करते हुए फेंक देगा, यानी यह आइडिया काम नहीं करेगा। इसके बाद एंट्री होती है जून की, जिसका हाल हानी जैसा ही है। लगता तो गुंडा है, पर हानी के आगे एक नहीं चलती, क्योंकि इसका क्रश हानी है और यह भी खुद को हानी का फ्यूचर हस्बैंड मान चुका है। हानी की तरह इसका भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ हानी के लिए ही स्कूल आता है ताकि उसका ख्याल रख सके, पर हानी जून को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। हानी जैसे होशियार स्टूडेंट की टीचर भी ऐसी ही है। टीचर स्टाफ रूम में फोन में ड्रामा देखकर हंस रही होती है, तभी प्रिंसिपल वहां आकर टीचर से पूछता है, आपकी क्लास के सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं और उनके रैंक नीचे है, खासकर हानी और उसकी 2 फ्रेंड मीना और जूरी और जून, इन चारों पर ध्यान दो, स्कूल का नाम डुबा कर रखा हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी अपने फादर के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प कर रही होती है। हानी अपने फादर से पूछती है, आपने मदर को अपना प्यार कैसे कन्फेस किया था। फादर बताते हैं, मैं एकदम माफिया गुंडा बनकर तुम्हारी मदर के पास स्टेशन में गया और उससे पूछा, तुम मरना पसंद करोगी या मुझे डेट करोगी। तुम्हारी मदर ने मुझे कहा मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन बाद में उसे मुझसे प्यार हो गया और वो मुझे पसंद करने लग गई। हानी सोचती है अगर वो भी ऐसे ही करेगी तो स्कूल की माफिया बनकर सियोंग के पास जाएगी, उसे डराएगी और धमकी देगी, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या मरना पसंद करोगे। सियोंग दोनों में से मरने का रास्ता ही चुनेगा, यानी ये आइडिया काम नहीं करेगा। फादर हानी को दूसरा आइडिया देते हैं, लव लेटर लिखकर अपनी फीलिंग कन्फेस करने का। इसके बाद हानी फटाफट से वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सियोंग को अपने स्कूल लॉकर में एक लेटर मिलता है। ये हानी ने ही लिखकर रखा होता है। हानी अपने फ्रेंड के साथ बैठकर सियोंग के रिप्लाई का वेट करती है। तभी सियोंग हानी के पास आता है और उसे एक लेटर देता है। हानी सोचती है सियोंग ने उसे लेटर में रिप्लाई किया है, लेकिन सियोंग ने उसके लव लेटर में ग्रामर मिस्टेक निकाली होती है और ग्रेड डी भी दिया होता है। तभी स्कूल की एक लड़की जो सियोंग को पसंद करती है हानी के हाथ से लेटर छीनकर पढ़ना स्टार्ट कर देती है और सभी के सामने उसका मजाक बना देती है। तभी जून वहां आता है। सियोंग हानी को बोलता है, मुझे स्टूपिड लड़कियां पसंद नहीं। जून सियोंग को हानी से अभी की अभी माफी मांगने को बोलता है, ये तुम्हें क्या मजाक लग रहा है। सियोंग बोलता है, किस लिए माफी मांगू, हानी की ग्रामर मिस्टेक ठीक करने के लिए। जून बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, और सियोंग को मारने के लिए तैयार होता है। तभी प्रिंसिपल वहां धमक पड़ता है और जून को तुरंत अपने केबिन में बुलाता है। सियोंग जून और हानी को बोलता है, तुम लोग 4 साल से लगातार ग्रेड्स कम ला रहे हो, कोई सुधार नहीं है, तुम स्कूल के लिए एक एम्बैरेसमेंट हो, और वहां से चला जाता है। हानी को सियोंग की बातें हर्ट करती हैं। नेक्स्ट डे पूरा स्कूल हानी और उसके लव लेटर को लेकर बातें बना रहा होता है, जिसका सामना हानी को करना पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी अपने फादर के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाती है। हानी के फ्रेंड भी उसका घर देखने आते हैं। घर देखने के बाद सभी बैठकर लंच कर रहे होते हैं।
अचानक से अर्थ क्यों करता है, सामान गिरने लग जाता है, सभी बचते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन हानि के फादर अंदर ही फंस जाते हैं। डिजास्टर टीम हानि के फादर को आकर बचा लेती है और रिपोर्टर्स इस न्यूज को कवर कर रहे होते हैं। हानि के फादर नोटिस करते हैं इस अर्थक्वेक में केवल उन्हीं का घर टूटा है। यह न्यूज टीवी पर हानि के फादर के चाइल्डहुड फ्रेंड भी देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हानि अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जाती है। सभी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। पहले ही सियोंग ने इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी है। दूसरा अर्थक्वेक वो भी सिर्फ उसी का घर टूटा है। तीसरा जून स्कूल में हानि के लिए बच्चों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। यह देखकर तो हानि और भी शर्मिंदा हो जाती है और मुंह छिपाकर क्लास में जाने लगती है, लेकिन जून हानि को देख लेता है और हानि को बुलाता है और सभी को उसके लिए प्यार के रूप में डोनेशन देने को कहता है। तभी सियोंग भी उसी तरफ आ रहा होता है। हानि उसे देखकर दीवार के पीछे छुप जाती है। जून सियोंग को हानि के लिए डोनेशन देने को कहता है। पहले तो सियोंग हानि की इंसल्ट करता है और फिर पैसे टान पेटी में डाल रहा होता है। हानि तुरंत सियोंग को बोलती है, पैसे वापस रख लो, अगर मुझे सड़क पर भी रहना पड़ा तो भी तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। सियोंग कहता है, ये तो अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे बातों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और पैसे वापस रख लेता है। हानि को यह देखकर और भी गुस्सा आता है और सियोंग को बोलती है, खुद को समझते क्या हो, ज्यादा कूल बनने की कोशिश क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारा IQ लेवल हाई है, पढ़ाई में अच्छे हो, हैंडसम फेस है, लंबे हो, इसके अलावा और कुछ है? इतनी सारी खूबियां गिनाने के बाद हानि को एहसास होता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रही थी या तारीफ, लेकिन बोलना बंद नहीं करती और सियोंग को बोलती है, मेरे ग्रेड्स इसलिए कम है क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करती, अगर मैं पढ़ाई करती तो ऐसे नहीं आएंगे। सियोंग बोलता है, तो करके दिखाओ। हानि बोलती है, इस मंथ के एग्जामिनेशन हॉल में मैं करके दिखाऊंगी, देख लेना। सियोंग हानि को चैलेंज करता है, अगर इस बार तुम टॉप 50 स्टूडेंट में आ गई तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर पूरे स्कूल में घुमाऊंगा। हानि खुश हो जाती है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फादर हानि को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के घर टेम्पररी रहने के लिए लेकर जाते हैं, जब तक उनका घर ठीक ना हो जाए। फादर के फ्रेंड ने न्यूज देखकर अपने फ्रेंड को अपने पास रहने के लिए बुला लिया है। फादर और हानि वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाकर हानि को पता चलता है ये सियोंग का ही घर है, यानी फादर के फ्रेंड सियोंग के फादर हैं। हानि सियोंग को देखकर शोक हो जाती। हानि सियोंग से पूछते हैं, तुम इस घर के बाहर क्या कर रहे हो? सियोंग बताता है, ये मेरा ही घर है। तभी मदर की आवाज अंदर से आती है, सियोंग और हानि तुम दोनों अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? हानि को यकीन ही नहीं होता, सच में वो सियोंग के घर रहने आ गई। सियोंग हानि को टोंट मारता है, तुमने तो कहा था तुम बेघर हो जाओगी पर मेरी मदद नहीं लोगी, और हंसकर अंदर चला जाता है। इसके बाद सभी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। सियोंग की मदर को हानि बहुत पसंद आती है और हानि से पूछती है, तुम तो सियोंग को पहले से ही जानती होगी। हानि बोलती है, इसे स्कूल में कौन नहीं जानता। मदर बोलती है, सही बात है, इतना स्मार्ट है पर लोग इसे पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि इसका स्वभाव काफी अजीब है, हमेशा अकड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसकी कोई लड़कियां दोस्त भी नहीं है। तभी सियोंग का छोटा भाई इंजू वहाँ आता है, जो 4th class में पढ़ता है। मदर इंजू का सबसे इंट्रो कराती है, लेकिन इंजू को हानि पसंद नहीं आती। इंजू भी अपने बड़े भाई सियोंग जैसा है, जीनियस और अकड़ू। मदर बिना जाने बोलती है, हानि बहुत होशियार लड़की है। सुनकर इंजू हानि से एक क्वेश्चन पूछता है, जिसका जवाब हानि नहीं दे पाती क्योंकि उसका IQ लेवल इंजू से भी कम है। बड़ी मुश्किलों से हानि एक जवाब देती है, वो भी गलत। इंजू हानि को बोलता है, क्या तुम पागल हो? हानि सोचती है, बड़ा भाई तो था ही, छोटा भाई भी ऐसा ही है, दोनों मुझे पसंद नहीं करते। सियोंग की मदर बेचारे इंजू को उसके रूम से निकाल कर वो रूम हानि को दे देती है और हानि के लिए रूम को एक प्रिंसेस की तरह सजा देती है। मदर हानि की कंपनी काफी एंजॉय करती है और उसे गिफ्ट में न्यू शूज देती है, जो हानि को काफी पसंद आते हैं। सियोंग हानि का सामान रूम में लेकर आता है और उसे बोलता है, अभी तक तो तुम मुझे स्कूल में ही परेशान करती थी और अब घर में भी करोगी, और साथ ही हानि को वार्निंग देता है, स्कूल में किसी को भी बता कर इस बात का बतंगड़ मत बनाना। हानि सियोंग को बोलती है, चिंता मत करो, अगर हम दोनों के साथ रहने की बात स्कूल में फैलेगी तो तुमसे ज्यादा तो मुझे परेशानी होगी। सियोंग हानि को बोलता है, क्या बोल रही हो, तुम मेरे घर रहने आई हो,
और वहां से चला जाता है। हानि को सियोंग पर बहुत गुस्सा आता है। रियलिटी में उसे मार नहीं सकती तो इमेजिनेशन में मार कर बदला ले लेती है। इसके बाद हानि बाथरूम जाती है और सोचती है हम दोनों इतने करीब आ गए हैं कि बाथरूम शेयर कर रहे हैं। फिर हानि खुद को याद दिलाती है उसने कहा था वो मुझे पसंद नहीं करता और उसने परेशान करने से मना किया था। इसके बाद सियोंग स्कूल के लिए जा रहा होता है। मदर सियोंग को अपने साथ हानि को भी ले जाने को बोलती है लेकिन सियोंग नहीं सुनता, निकल जाता है। मदर हानि को फटाफट से सियोंग के पीछे पीछे जाने को कहती है। हानि भागती हुई सियोंग के पीछे आती है और उसे बोलती है रुक नहीं सकते हो मेरे लिए। सियोंग बोलता है आज तुम मेरे साथ स्कूल चलो, रास्ता देख लो फिर तुम खुद आना। और हानि को बोलता है इस बारे में किसी को भी स्कूल में मत बताना और स्कूल में मेरे साथ ऐसे रहना जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। हानि सियोंग को बोलती है समझ गई अब चले। सियोंग हानि को बोलता है मुझसे दूर दूर चलना समझी। हानि बोलती है ये एक नंबर का पागल लड़का है, पता नहीं मैंने इसे कैसे पसंद कर लिया। हानि सियोंग के पीछे पीछे चल रही होती है और उसे ठोकर मार देती है। सियोंग हानि को बोलता है तुम्हें मेरे पीछे चलने में मुश्किल हो रही है क्या क्योंकि तुम्हारी हाइट छोटी है। ये सुनकर हानि अपनी हाइट देखने लग जाती है। सियोंग हानि को बोलता है तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। सियोंग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक बदमाश आदमी हानि को देख रहा था। सियोंग उस आदमी को देख लेता है। इसके बाद हानि अपनी क्लास में पहुंचती है और अपने फ्रेंड्स को बोलती है चिंता मत करो मैं कड़ी मेहनत करके पढ़ूंगी और अपनी इज्जत को बचाऊंगी। तभी चुन हानि के पास आता है और उससे पूछता है अपना नया घर का एड्रेस दो। हानि बोलती है मेरा घर बहुत दूर है। जुन बोलता है कोई बात नहीं हम आज इकट्ठे चलेंगे। हानि बोलती है क्या। जुन बोलता है एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड का घर तो पता ही होना चाहिए ना। तभी टीचर क्लास में आती है, सभी स्टूडेंट तितर बितर हो जाते हैं। टीचर हानि की फ्रेंड जूरी को बोलती है तुमने फिर अपना पार्लर क्लास में खोल लिया। जूरी को हेयर ड्रेसर का काम पसंद है। टीचर जूरी को बोलती है अगर तुम स्कूल में लोगों के बाल बनाना चाहती हो तो ये घर पर करो, ये स्कूल है कोई पार्लर नहीं। फिर टीचर जूरी का सम्मान देख कर बोलती है तुम तो पूरी तैयारी के साथ आई हो तो चलो मेरे बाल कर्ल कर दो। तभी प्रिंसिपल वहां से गुजर रहा होता है। टीचर को जूरी से बाल कर्ल कराते हुए देख लेता है और उस पर चिल्लाता है। सियोंग अपनी क्लास में होता है। उसकी क्लास की एक लड़की उसके पास जानकर आती है और उसे एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहती है। हानि बाहर से उसे देख लेती है और उस लड़की को बोलती है सियोंग से इतना चिपक क्यों रही हो। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। हानि सियोंग को इंतजार करने को कहती है घर साथ चलने के लिए। तभी जुन हानि का बैग लेकर आ जाता है और जबरदस्ती उसके साथ चला जाता है। दोनों मेट्रो में होते हैं। हानि जानकर मेट्रो से उतर जाती है, जुन अंदर ही रह जाता है। हानि को लगता है सियोंग उसका स्कूल में इंतजार कर रहा होगा तो हानि दोबारा स्कूल जाकर देखती है। इसके बाद हानि निराश होकर वापस घर आ रही होती है क्योंकि सियोंग वहां से घर आ चुका था। दूसरी तरफ मदर सियोंग से पूछती है हानि अभी तक घर नहीं आई, आजकल मोहल्ले में अजीब और बदमाश लोग घूम रहे हैं। सियोंग ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि सुबह उसने एक बदमाश को भी देखा था। हानि घर की तरफ पैदल आ रही होती है, रास्ते में उसे एक बदमाश मिल जाता है। तभी सियोंग वहां आकर हानि को उस पागल बदमाश से बचा लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। इसके बाद हानि घर पर स्टडी कर रही होती है और सियोंग के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही होती है। तभी उसे याद आता है सियोंग ने कहा था उसे स्टूपिड लड़कियां पसंद नहीं है, तो पढ़ना स्टार्ट कर देती है और सोचती है मुझे अपनी इज्जत बचानी है नहीं तो सियोंग और धज्जियां उड़ा देगा। बड़े ध्यान से पढ़ती है पर कुछ भी उसके दिमाग में नहीं घुसता और रोने लग जाती है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसके बाद मदर स्नैक्स लेकर हानि के रूम में आती है। मदर हानि को सियोंग की बचपन की एल्बम दिखाती है जिसमें उसने लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं। मदर हानि को बताती है मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी इसलिए मैंने सियोंग को कुछ टाइम लड़कियों की तरफ रखा। हानि को बताती है सियोंग को लगता है मैंने ये तस्वीरें जला दी हैं पर मेरे पास इनकी कॉपी है उसे नहीं पता। हानि एल्बम से सियोंग की एक फोटो निकाल लेती है उसे परेशान करने के लिए। नेक्स्ट डे सियोंग हानि की क्लास में आता है और उसे इशारा करके बाहर बुलाता है। सियोंग हानि को पीटी की यूनिफॉर्म भी साथ लेकर आने को कहता है। हानि समझ नहीं पाती सियोंग ऐसा क्यों बोल रहा है। हानि पीटी यूनिफॉर्म देखती है, सियोंग की यूनिफॉर्म से बदल गई है। हानि यूनिफॉर्म लेकर सियोंग के पास जाती है।
हानी की सारी क्लास छुपके छुपके उन दोनों को देख रही होती है। ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। हानी और सियोंग यूनिफॉर्म एक्सचेंज करते हैं। सियोंग बोलता है, ये कितना कष्ट का काम था। हानी सियोंग को बोलती है, क्यों, ये तो तुम पहन सकते थे ना, तुम्हें तो लड़कियों के कपड़े पहनने की आदत है, और हंसने लग जाती है और सियोंग को उसकी बचपन की फोटो दिखाती है उसे चिढ़ाने के लिए। सियोंग हानी से फोटो लेने के लिए उसके पीछे भागता है और हानी को बोलता है, दोगे या नहीं। हानी बोलती है, ठीक है दूंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे नेक्स्ट एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में हेल्प करनी होगी। सियोंग हानी को बोलता है, एग्जाम नेक्स्ट वीक ही है और तुम मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने को कह रही हो। और हानी को बोलता है, मैं भगवान नहीं हूँ। हानी कहती है, ठीक है समझ गई, और चिल्ला कर सभी स्टूडेंट को बाहर बुलाने लगती है। सियोंग हानी को चुप कराता है और उसे बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा चलाक निकली। मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम इस एग्जाम में टॉप 50 में आई तो मैं तुम्हें स्कूल में पीठ पर बिठा कर घुमाऊंगा, और पढ़ाने को भी मुझे ही कह रही हो, बहुत बढ़िया। हानी सियोंग को बोलती है, अगर तुम मुझे स्टडी में हेल्प करोगे ये बैग मत देना। और सियोंग को बोलती है, चिंता मत करो, वैसे भी अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सियोंग हानी के पास जाता है और उसे बोलता है, सही में। क्लास के विंडो से जून और बाकी स्टूडेंट हानी और सियोंग को पास आता हुआ देख लेते हैं। जून तो ये देखकर पागल ही हो जाता है और सियोंग को बोलता है, ये पागल लड़का मेरी हानी के साथ क्या कर रहा है। इसके बाद हानी और सियोंग घर पर होते हैं। सियोंग हानी को मैथ पढ़ा रहा होता है लेकिन मैथ के सारे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा थीटा हानी के दिमाग में नहीं घुसते क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ सियोंग पर है। बेचारा सियोंग पूरा चैप्टर पढ़ा देता है और हानी बोलती है, इसका क्या मतलब है। सियोंग बोलता है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, और हानी पर चिल्लाता है। रूम के बाहर सियोंग की मदर फादर बाहर से उन्हें सुन रहे होते हैं। सियोंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर डर जाते हैं और वहां से वापस जाने लग जाते हैं। सियोंग हानी से परेशान होकर उसे बोलता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो। हानी बोलती है, क्यों, मुझे तो मजा आ रहा है। सियोंग हानी को बोलता है, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। हानी एक के पॉप आइडल का पोस्टर सियोंग को दिखाती है और उनके बारे में सब बताती है और सियोंग से पूछती है, क्या तुम्हें इनके बारे में सब पता है। नहीं ना, क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट अलग है इसलिए ऐसा है। सियोंग ये सुनकर तो और भी पागल हो जाता है लेकिन हानी भी हार नहीं मानती। दिन रात पढ़ती है, सियोंग उसकी हेल्प करता है। दोनों पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तभी मदर स्नैक्स लेकर उनके रूम में आती है पर उन्हें सोता हुआ देख कर चुपचाप उन दोनों की साथ में एक फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एग्जामिनेशन डे होता है, सभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। थोड़े दिनों बाद रिजल्ट आउट होता है। हानी अपना रिजल्ट देखने की बजाय सियोंग का रिजल्ट देखने जाती है, वो फिर से फर्स्ट आया है। टॉप 50 की लिस्ट देखता है जिसमें हानी का भी नाम होता है। हानी सियोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है। सियोंग हानी को बोलता है, मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ा हूँ, पूरे मार्क्स तो आने ही थे ना। और हानी से पूछता है, क्या अभी तक तुमने अपने मार्क्स नहीं देखे। हानी जाकर देखती है, वो भी टॉप 50 स्टूडेंट की लिस्ट में आ चुकी है। हानी को यकीन नहीं होता, सच में उसने कर दिखाया। हानी सियोंग के पास जाकर उसे शुक्रिया बोलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं कर पाई। सियोंग हानी को वो फोटो वापस करने को कहता है, हानी दे देती है। सियोंग फोटो लेकर वहां से चलने लगता है। तभी हानी की महान टीचर वहां आती है और सियोंग को बोलती है, कहां जा रहे हो, तुम भूल गए तुमने वादा किया था हानी को पिगी बैग देने का। हानी टीचर को मना करती है, उसे नहीं चाहिए, लेकिन टीचर हानी की नहीं सुनती और हानी की टीचर पूरी क्लास के साथ मिलकर हुडिंग स्टार्ट कर देती है, हानी को पीगी बैग की राइड दो। हानी जोर से चिल्लाकर सभी को चुप कराती है और सियोंग को आकर बोलती है, मुझे गलत मत समझना, ये सब मैंने नहीं किया। सियोंग हानी को बोलता है, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, हमेशा हर सिचुएशन का तुम फायदा उठाती हो। हानी सियोंग को धमकी देती है, क्या मैं बताऊं सबको, हम दोनों एक ही घर में साथ रहते हैं। सियोंग बोलता है, क्या तुम सच में पागल हो गई हो। हानी सियोंग से पूछती है, तो तुम क्या चाहते हो मुझसे। सियोंग बोलता है, नादान बनने का नाटक कर रही हो और मुझसे पूछ रही हो क्या चाहते हो। सियोंग हानी को बोलता है, चलो बैठो मेरी पीठ पर। हानी बोलती है, मुझे नहीं चाहिए, जाने दो। सियोंग हानी का हाथ पकड़ कर बोलता है, तुम ही तो हो ये चाहती हो, तो अब चढ़ जाओ। तभी जुन वहां आ जाता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है, जल्दी से हानी का हाथ छोड़ो। सियोंग नहीं छोड़ता तो जुन खुद उसका हाथ छुड़वा देता है। सियोंग जुन को बोलता है, तुम फिर से आ गए। जुन सियोंग को इग्नोर करता है
और हानि से पूछता है, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, मुझे तुम पर प्राउड है। और हानि को बोलता है, मैं तुम्हें पीगी बैग दूंगा, पूरे स्कूल में तुम्हें घुमाऊंगा जब तक तुम चाहोगी। सियोंग हानि को अपनी तरफ खींचकर पीगी बैग देने के लिए कहता है, लेकिन जुन फटाफट से हानि को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता है। सियोंग देखता ही रह जाता है और हानि के सपनों पर जुन की वजह से पानी फिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, टॉप 50 की लिस्ट में आने के बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट हानि की तारीफ करने लग जाते हैं। हानि की एंट्री सियोंग की क्लास में हो जाती है, जहां सभी होशियार बच्चे बैठते हैं। हानि देखती है लास्ट टाइम वाली लड़की सियोंग के पास फिर से आ गई है और उसे जूस ऑफर कर रही है। हानि सोचती है ये यहाँ पढ़ने आई है या डेट करने, लेकिन सियोंग उस लड़की के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और हानि यह देख कर जोर जोर से हंसने लग जाती है। सभी स्टूडेंट हानि को देखते हैं, इसे क्या हो गया है। प्रिंसिपल भी वही होता है, हानि को चुप होने को कहता है। सियोंग पीछे मुड़कर हानि को देखता है, हानि अपना फेसबुक से छुपा लेती है। सियोंग हानि की पचकाना हरकतों पर हंसता है। इसके बाद हानि की क्लास की टीचर क्लास को बताती है कि हमारी क्लास का होशियार बच्चों की क्लास के साथ फिजिकल टूर्नामेंट में कॉम्पिटिशन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुन, हानि और उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट ग्राउंड में गेम्स खेलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सियोंग वहां आता है और बोलता है, यह कॉमेडी चल रही है क्या। जुन सियोंग को बोलता है, रोना मत जब हार जाओ। सियोंग बोलता है, वैसे भी हमारी क्लास का फिजिकल टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें जीतना। ये हानि को यह सुनकर गुस्सा आता है और सियोंग को बोलती है, खुद को समझते क्या हो, खेल कर दिखाओ फिर मानेंगे। यह बात घर में मदर को भी पता चल जाती है। मदर उन दोनों को बोलती है, मैं तुम दोनों को चेस करने वहाँ आऊंगी, आखिरकार मुझे तुम दोनों की फोटो क्लिक करनी है। लेकिन सियोंग मदर को मना कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल में फिजिकल टूर्नामेंट है। हानि कार्टून कॉस्ट्यूम पहनकर ग्राउंड पर जा रही होती है, तभी उसे सियोंग दिखता है। हानि सोचती है, इस कॉस्ट्यूम में तो सियोंग को पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूँ, तो सियोंग के बट पर मारती है और वहां से भाग रही होती है कि गिर जाती है। कॉस्ट्यूम हैवी होने की वजह से उठ नहीं पाती। सियोंग उसे उठाकर बिठाता है और उसके फेस से कॉस्ट्यूम हटाकर उसका फेस देखता है, तुम हो, और हानि का गाल खींचता है। इसके बाद दोनों क्लास का कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। मदर भी वहाँ पहुँच जाती है और छुपके छुपके उनकी फोटो लेती है। हानि की वजह से क्लास हार जाती है। हानि को स्टिक जुन को देनी होती है, पर वह सामने सियोंग को देखकर सब भूल जाती है और सियोंग जीत जाता है। पूरी क्लास हानि को पीटती है, उसकी वजह से वो लोग हार गए। मदर हानि को चेस करने उसके पास जाती है और सभी बच्चों के साथ एंजॉय करती है। हानि को अच्छा लगता है कोई है उसका ध्यान रखने वाला। हानि को सियोंग की मदर अपनी मदर जैसी लगती है। इसके बाद हानि के फादर सियोंग की फैमिली को अपने रेस्टोरेंट में ट्रीट देते हैं, हानि के ग्रेड्स अच्छे आने की खुशी में, और सियोंग को शुक्रिया अदा करते हैं उनकी बेटी की स्टडी में हेल्प करने के लिए। इसके बाद सभी सूजो पीते हैं। हानि फर्स्ट टाइम सूजो पीती है तो उसे चढ़ जाती है। हानि सबके सामने अपने फादर को बोलती है, सियोंग मुझे एक परेशानी समझता है। सियोंग ये सुनकर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। हानि सियोंग को बोलती है, तुम जीनियस हो, ग्रेट हो, अच्छी बात है, क्या बाकी लोगों को इग्नोर करना ठीक है। और गुस्से में सियोंग को बोलती है, तुम एक बुरे लड़के हो। सियोंग ये सिचुएशन को देखते हुए बोलता है, चलो घर चलते हैं। लेकिन हानि अपने फादर को बोलती है, देखो इसे, फिर से ये इग्नोर कर रहा है, सुनना ही नहीं चाहता दूसरा क्या बोल रहा है। ये हमेशा दूसरों पर हंसता है और चूस करके ऐसे शब्द बोलता है जो लोगों को हर्ट करे और उन्हें बुरा लगे। और सियोंग को बोलती है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। फादर हानि को बोलते हैं, चुप हो जाओ, लगता है तुम्हें चढ़ गई है। सियोंग सबके सामने हानि को बोलता है, तुम भूल गए तुमने मुझे लव लेटर लिखा था। सभी शॉक हो जाते हैं। हानि सियोंग को बोलती है, अब से सब खत्म, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, कम्प्लीटली ओवर, समझे। सियोंग बोलता है, सही में। हानि पर नशा इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि लड़खड़ाने लग जाती है। तो सियोंग को हानि को पीगी बैग देकर घर ले जाने को बोलती है। सियोंग हानि को अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर जा रहा होता है। सियोंग हानि को बोलता है, सच में तुम बड़ी मजेदार हो, आखिरकार तुमने मुझसे पीगी बैग ले ही ली। हानि बेहोशी में बोलती है, क्या बोल रहे हो। सियोंग बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम महान हो। हानि सियोंग को बोलती है, मुझे यही उतारो। सियोंग हानि को बोलता है, अभी तुम होश में नहीं हो,
और सियोंग हानी को बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम तो मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा सीरियस हो। इसके बाद घर में मदर हानी के रूम में आती है हानी को उसकी और सियोंग की साथ में फोटो दिखाने, लेकिन हानी को सोता देखकर मदर वो फोटो हानी की बुक्स के बीच में रख देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी अपनी क्लास में होती है। हानी की फ्रेंड जूरी उसके बाल कर्ल कर रही होती है। जुन भी वही होता है। हानी जुन को एक बुक पकड़ाने को कहती है। जुन हानी को बुक दे रहा होता है, उसमें से वो फोटो गिर जाती है जो सियोंग की मदर ने उसमें रखी थी। जुन फोटो उठाकर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। सारी क्लास जुन के हाथ में उस फोटो को देख लेती है। हानी उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछती है क्या हुआ। हानी फोटो देखकर शॉक हो जाती है। सभी स्टूडेंट हानी से पूछते हैं क्या तुम दोनों साथ रहते हो, और पूरे स्कूल को पता चल जाता है हानी और सियोंग साथ में रहते हैं। ये सुनकर जुन का तो दिल ही टूट जाता है। हानी के फ्रेंड मीना और जूरी हानी को सियोंग का घर दिखाने को कहती है। दूसरी तरफ सियोंग अपनी क्लास में आता है। उसे अपने डेस्क पर कंप्यूटर में हानी और अपनी फोटो दिखती है। सियोंग ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है ये सब फिर से हानी ने ही किया है। के बाद हानी अपने फ्रेंड्स को सियोंग का घर दिखाने लाती है और उन्हें बाहर से ही देखकर जल्दी से जाने को कहती है, इससे पहले वहाँ सियोंग आ जाए। लेकिन सियोंग की मदर उन्हें देख लेती है और अपने साथ अंदर ले जाती है। मदर उन सबके साथ एंजॉय करती है। हानी स्कूल के रूमर्स के बारे में मदर को बताती है। तभी सियोंग आ जाता है और हानी को हंसता हुआ देखकर बोलता है, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा ना, स्कूल में रूमर्स फैलाना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो उन्हें घर भी लेकर आ गई। मदर सियोंग को बोलती है, मैंने इन्हें इनवाइट किया है। सियोंग को गुस्सा आता है और हानी को बोलता है, तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट क्यों ले रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ये सब मत करो, कब तक मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती रहोगी और कितना दूर तक तुम जाओगी, ये सब बंद करो। मदर सियोंग को बोलती है, तुम हानी को क्यों डांट रहे हो, फोटो मैंने तुम्हारी बुक में रखी थी। सियोंग मदर को बोलता है, क्या आपकी हॉबी अपनी बेटी की लाइफ को रन करना। फ्रेंड माहौल को देखकर जाने लगती है पर मदर पर कोई असर नहीं होता। मदर हानी की फ्रेंड को नेक्स्ट वीक साथ में कैंपेन पर जाने के लिए इनवाइट करती है। दूसरी तरफ हानी को सियोंग की बातें हर्ट करती हैं और कमरे में अकेले बैठकर रो रही होती है। उसे लगता है ये सब उस लव लेटर से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हानी अपने रूम की विंडो पर खड़ी होकर फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। सियोंग की जगह मैं होती तो शायद मुझे भी फोटो देखकर गुस्सा आता, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सियोंग अपने रूम की विंडो पर होता है, यह सब सुन रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी कैंपेन पर जा रहे होते हैं। सियोंग की क्लासमेट जो उसे पसंद करती है वो भी इस कैंपेन में साथ जा रही होती है, जो हानी को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जुन को भी बाकी क्लास स्टूडेंट से पता चलता है आज हानी और उसकी फ्रेंड स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वह सियोंग के साथ कैंपेन पर गए हैं। जुन ये सुनकर कोई आइडिया सोचता है हानी के पास जाने के लिए। तभी स्कूल के बाहर प्रिंसिपल स्कूटर लेकर आता है। जुन प्रिंसिपल को बोलता है, मुझे आपके स्कूटर की जरूरत है, मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे आंट का एक्सीडेंट हो गया है, और रोने का नाटक करने लग जाता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, वहाँ कैसे जाऊंगा। प्रिंसिपल इस दुख भरी कहानी को सुनकर इमोशनल हो जाता है और स्कूटर जुन को दे देता है। जुन को रास्ते में एक लड़की लाइटर दे देती है, वह अपने पार्लर का प्रमोशन कर रही होती है। जुन लाइटर अपनी पॉकेट में रख लेता है। हानी फैमिली के साथ बीच पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुन भी स्कूटर पर वापस पहुंच ही जाता है, पर स्कूटर रास्ते में ही रुक जाता है। जुन को लगता है शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। जुन स्कूटर का टैंक चेक करता है। लाइटर जलाकर गलती से लाइटर टैंक में गिर जाता है और दोनों उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हानी और सियोंग का भाई इंजू बीच के पास खेल रहे होते हैं। इंजू डूब जाता है। हानी को तैरना नहीं आता, फिर भी वह इंजू को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी सियोंग की नजर हानी पर पड़ती है, फटाफट से बचाने के लिए भागता है और दोनों को पानी से बाहर निकाल लेता है। हानी के फादर उसे डांटते हैं और उससे गुस्सा होते हैं, मैं डर गया था तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी सियोंग हानी के लिए सूप लेकर आता है। फादर सियोंग को शुक्रिया बोलते हैं उनके बेटे की जान बचाने के लिए और दोनों को कुछ देर एक साथ टाइम बिताने के लिए छोड़ देते हैं। सियोंग हानी को बोलता है, जब तुम स्विमिंग करना नहीं जानती हो तो बिना किसी डर के कूदने की क्या जरूरत थी। हानी बोलती है, मैंने आवाज दी थी, किसी ने नहीं सुनी। सियोंग हानी को बोलता है, तुम ट्रबल मेकर हो, जब से मैं तुमसे मिला हूँ
एक दिन ऐसा नहीं है जो शांति से गया हो। हानी सियोंग को बोलती है, तुम फिर से क्यों शुरू हो गए? तभी जुन पर टीचर हालत में वहाँ पहुँचता है। सभी उसे देख कर डर जाते हैं। जुन बोलता है, मेरी हानी कहाँ है? इसके बाद सभी इंजॉय करते हैं। जुन सियोंग से लेकर कपड़े चेंज कर लेता है। सियोंग जुन से पूछता है, तुम इतनी दूर सिर्फ हानी के लिए यहाँ आए हो? जुन बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने जीनियस हो, लेकिन मैं हानी को पसंद करता हूँ और मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। हानी के करीब भी मत जाना। सियोंग जुन से पूछता है, तुम हानी को इतना पसंद करते हो? जुन बोलता है, मैं जल्दी से जॉब करके सेटल होना चाहता हूँ और मेरा ड्रीम है जिंदगी भर हानी को खुश रखना। सियोंग बोलता है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। जुन यह सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचता था। हानी यह सब सुन लेती है और दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, हानी की फ्रेंड्स मीना और जूरी उसके घर स्टडी के लिए आती हैं। मीना और जूरी को स्टडी करते हुए हानी की एक बुक मिल जाती है, जिसमें हानी ने सियोंग के साथ शादी करने के अपने ड्रीम को लिखा होता है। फ्रेंड्स उसे पढ़कर हानी को चिढ़ाती है। हानी कहती है, बस भी करो, अब स्टडी करो। इसके बाद हानी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती है पर नहीं होता। फ्रेंड हानी को सियोंग से पूछने को कहती है और जबरदस्ती सियोंग के रूम में भेज देती है। हानी डरते हुए सियोंग के पास जाती है, उसे एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहती है। सियोंग मना कर देता है। हानी बोलती है, बस 30 सेकंड लगेंगे। सियोंग बोलता है, मैं अपने 30 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता। हानी सियोंग से स्वीटली बात करके उसे मना लेती है और सियोंग कर भी देता है। हानी का ये सिलसिला चलता रहता है। बार बार उसके पास जाती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ऐसे करते करते आधी रात हो जाती है। सियोंग सो रहा होता है और हानी पर चिल्लाता है, फिर भी सॉल्व कर देता है। हानी को वार्निंग देता है, दोबारा मेरे कमरे के आसपास मत दिख जाना। नेक्स्ट स्कूल में हानी की पूरी क्लास को पता चल जाता है सियोंग हानी की स्टडी में हेल्प कर रहा है। पूरी क्लास पढ़ने के लिए सियोंग के घर पहुंच जाती है। सियोंग घर आता है और अंदर आकर देखता है, ये क्या है? हानी सियोंग से डर कर छुप कर वही बैठी होती है। यह सब देख कर सियोंग हानी को बाहर निकलने को कहता है। हानी डरते हुए बोलती है, बस एक बार मेरी क्लास को पढ़ा कर उसे फेल होने से बचा लूं। हम तुम्हारी ये काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे। सियोंग मान जाता है और पूरी क्लास को पढ़ाता है। इसके बाद शाम को मदर बहाना बनाकर इंजो को अपने साथ बाहर ले जाती है, ताकि हानी और सियोंग को एक दूसरे को समझने का मौका मिले। हानी अपने और सियोंग के लिए खाना बनाती है जो जल जाता है, फिर भी वह खाना सियोंग को सर्व करती है। सियोंग जले हुए खाने को देखकर बोलता है, ये क्या है? हानी बोलती है, हवाईया लुकुमुकु है। सियोंग हानी को गुस्से भरी नजरों से देखता है और बोलता है, ये डिनर नहीं है, कुछ और ही है। हानी बड़े प्यार से पूछती है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? सियोंग हानी को बोलता है, तुम चाहती हो मैं ये खाऊं? हार कर सियोंग दोनों के लिए डिनर बनाता है। हानी को खाना बहुत पसंद आता है, ये तो रेस्टोरेंट की तरह है, और सियोंग से पूछती है, तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो? सियोंग बोलता है, खाना बनाना भी स्मार्ट लोग ही कर सकते हैं। हानी बोलती है, फिर तो मेरे फादर भी और जुन भी दोनों स्मार्ट हुए, और जुन की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है। चुप ही नहीं होती। सियोंग को गुस्सा आता है और उसके खाने की प्लेट ले लेता है। हानी बोलती है, अभी तो मैंने सिर्फ एक चम्मच ही खाया था। सियोंग हानी को बोलता है, सारे बर्तन साफ करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, हानी अपने रूम में होती है। वो बुक ढूंढ रही होती है जिसमें उसने सियोंग के बारे में लिखा होता है। हानी को बुक नहीं मिलती तो सियोंग के रूम में देखने जाती है। सियोंग सो रहा होता है, हानी को बुक वहाँ मिल जाती है, वापस लेकर जा रही होती है। सियोंग हानी को देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है, छुपके छुपके मेरे कमरे में क्यों आई हो और क्या चुरा कर लेकर जा रही हो? हानी बोलती है, मैं तो कुछ यहाँ ढूंढने आई थी। सियोंग हानी को बोलता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों पर मैं बिलीव करूंगा? हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, हम दोनों अकेले हैं, और तुम्हें अचानक से मेरे रूम से कुछ चाहिए था। और हानी का हाथ खींच कर उसे बेड पर पटक देता है और हानी से पूछता है, इसलिए आई थी ना यहाँ? हानी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सियोंग हानी की तरफ बढ़ता है। हानी को लगता है कि सियोंग उसे किस करने वाला है, पर सियोंग उसे बोलता है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था।
हानी एम्बेरस होकर रूम से चली जाती है। सियोंग पीछे से उसकी वह बुक पढ़कर हंसता है। के बाद हमें दिखाया जाता है हानी स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में होती है और उन्हें बताती है स्कूल खत्म होने में 2 मंथ्स रह गए हैं। उसने पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। हानी के फ्रेंड्स अपसेट हो जाती हैं क्योंकि उनके ग्रेड्स लगातार कम रहे, शायद वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगी। तभी जुन भी वहाँ आ जाता है। जूरी जुन को बोलती है, क्या तुमने हानी में कोई ट्रैकर लगाया हुआ है? जब देखो चले आते हो। जुन बोलता है, अभी तक तुम लोगों को पता नहीं है क्या, हानी मेरी लाइफ में नेविगेशन सिस्टम है। जो ये कहेगी, जहाँ ये कहेगी मैं वही करूँगा। वही दूसरी ओर सियोंग परेशान होता है कि वह हर चीज में अच्छा है, उसे आगे क्या करना चाहिए वह चूज नहीं कर पाता। इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में प्रिंसिपल हानी के टीचर को चैलेंज देता है कि हानी का एडमिशन प्रांग यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बच्चों को जिंदगी भर मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद हानी घर में होती है और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही होती है, पर अचानक से कंप्यूटर हैंग हो जाता है और उसका फॉर्म बीच में ही अटक जाता है। हानी रोने लग जाती है। तभी सियोंग वहाँ आता है और कंप्यूटर को ठीक कर देता है और हानी को फटाफट फॉर्म सबमिट करने को कहता है इससे पहले टाइम निकले। सियोंग हानी से पूछता है, तुम पराग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हो? हानी बोलती है हाँ। तो हानी से पूछता है, जब तुम्हारा स्टडी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? हानी सियोंग को बोलती है, शायद कॉलेज जाकर मुझे कोई नया पर्पस मिल जाए अपनी लाइफ में, और शायद किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट आए, मुझे कुछ नया पसंद आए। सियोंग हानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारी पसंद क्या है? हानी बोलती है, मेरा दिल जोर से धड़कने लग जाएगा, जब भी हमें कुछ पसंद आता है दिल आपको बता देगा। सियोंग हानी को बोलता है, मैं भी ऐसा फील करना चाहता हूँ। इसके बाद हानी की टीचर स्कूल में प्रिंसिपल को जाकर दिखाती है कि हानी का फॉर्म यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जा रही होती है, लेकिन अचानक से तेज तूफान आ जाता है, लेकिन फिर भी हानी हार नहीं मानती, ऐसे तैसे करके इंटरव्यू देने पहुँच जाती है। हानी का ऑलमोस्ट इंटरव्यू अच्छा जाता है, पर एंड में टीचर हानी से पूछती है, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, बस एक बार तुम टॉप 50 स्टूडेंट में आई हो, तुम्हें हम अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों ले? हानी टीचर को बोलती हैं, आप सही कह रही हैं, अगर आप अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स को लोगे तो हो सकता है वो अपना बेस्ट दे, पर जरूरी नहीं वो अंत तक हार ना माने। इतने तूफान में भी मैं यहाँ आई, बाकी स्टूडेंट नहीं आए, मैं हर चीज को अंत तक करती हूँ, जो काम मैंने एक बार शुरू कर दिया उसे हर हाल में खत्म करती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इसलिए आपको मुझे ये चांस देना चाहिए। इसके बाद सियोंग की फैमिली डिनर टेबल पर बैठी होती है। सियोंग अपनी फैमिली को बताता है वह कॉलेज नहीं जाना चाहता, इसलिए वह एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगा। सियोंग के फादर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हानी सियोंग को मना लेती है। सियोंग एग्जाम देने जा रहा होता है, उसे कफ हो जाता है। हानी सियोंग को मेडिसिन देती है जो हाई डोज होती है, जिसे लेकर उसे नींद आने लग जाती है। सियोंग मेडिसिन ले लेता है। हानी बाद में इंस्ट्रक्शन पढ़ती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद सियोंग एग्जामिनेशन हॉल में होता है। सियोंग को एग्जाम में बार बार नींद आ रही होती है, फिर भी वह एग्जाम देने की कोशिश करता है। सियोंग की क्लास में जो उसे पसंद करती है उसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठी होती है और वह सियोंग को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब हानी ने ही किया है। लड़की एग्जाम के बाद हानी को जाकर डांटती है, तुम्हारी वजह से सियोंग ढंग से एग्जाम नहीं दे पाया, हो सकता है वो फेल भी हो जाए। हानी अपसेट हो जाती है, उसकी वजह से सब हुआ है। इसके बाद टीचर सियोंग को एग्जाम का रिजल्ट देता है। नींद में होने के बावजूद भी पूरे मार्क्स आए हैं। सियोंग को यकीन नहीं होता, क्या वह सच में जीनियस है? ये बात हानी को भी पता चल जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। इसके बाद हानी घर पर कॉलेज में एडमिशन कंफर्मेशन के कॉल का वेट कर रही होती है। सुबह से शाम हो जाती है, हानी फोन के सामने बैठी रहती है, पर यूनिवर्सिटी से कोई कॉल नहीं आता। हानी निराश हो जाती है और मरने जैसी हालत हो जाती है, उसे लगता है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। मदर हानी को समझाती है, कोई नहीं। तभी हानी को एक कॉल आता है, तिपारन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। हानी और मदर ये सुनकर पागल हो जाते हैं। सियोंग भी छुपके से उनकी ये बातें सुन रहा होता है और खुश हो जाता है। इसके बाद हानी फैमिली के साथ इसे सेलिब्रेट करती है। मदर हानी को म्यूजिकल शो के टिकट्स गिफ्ट में देती है। हानी वहाँ मदर का वेट करती है।
पर मदर जान कर नहीं आती और बोलती है मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। हानी अकेले ही अंदर चली जाती है। हानी शो को एंजॉय कर रही होती है। शो के बीच में सियोंग वहां आ जाता है और हानी के पास आकर बैठ जाता है। हानी सियोंग को देखकर शॉक हो जाती है और खुश भी। सियोंग की मदर उसे बहाना बनाकर हानी के पास भेज देती है कि मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ और वहाँ हानी अकेली वेट कर रही है, तो तुम चले जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है म्यूजिकल शो खत्म हो जाता है। हानी और सियोंग बाहर आते हैं। हानी सियोंग को बोलती है अगर तुम भी पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो हम दोनों वहाँ एंजॉय करेंगे। लाइफ को फन के साथ जीना ही लाइफ है। इसके बाद सियोंग हानी के लिए वेंडर मशीन से एक टॉय जीतता है और हानी को देता है। हानी खुश हो जाती है और जुन भी तभी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। जुन हानी को बोलता है तुम दोनों साथ में म्यूजिकल शो देखने गए थे और हानी से पूछता है कहीं सियोंग ने पॉपकॉर्न खाते हुए तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा था ना। हानी जुन को बताती है म्यूजिकल शो में पॉपकॉर्न नहीं होते। जुन हानी के हाथ में टॉय देखकर पूछता है ये किसने दिया। हानी बताती है सियोंग ने मेरे लिए वेंडिंग मशीन से जीता है। सियोंग ने मुझे यह गिफ्ट कॉलेज में एडमिशन की खुशी में दिया है। जुन हानी को बोलता है इतना सस्ता गिफ्ट, क्या ये तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। हानी बोलती है वेंडिंग मशीन से टॉय जीतना आसान नहीं होता। जुन बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। सियोंग यह सुनकर अपना टेंशन हानी को दिखाता है वहीं बैठकर डस्टबिन में गिलास फेंक कर। यह देखकर जुन भी पीछे नहीं रहता है और दोनों बस शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और खुद को हानी के सामने कूल दिखाने के लिए, लेकिन जुन गिर जाता है। हानी जुन पर हंसती और सोचती है ये सिचुएशन ऐसी है जैसे दो प्रिंस उसके प्यार में पागल होकर आपस में एक दूसरे को मार रहे हो। इसके बाद सियोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस का एग्जाम देने जाता है, लेकिन हानी को विश्वास नहीं होता कि सियोंग एग्जाम देने जाएगा क्योंकि वो कॉलेज जाने से मना कर रहा था। हानी उसके पीछे पीछे जाती है, उसे फॉलो करती है। रोड क्रॉस करते हुए हानी एक आदमी से टकरा जाती है और उसका टॉय रोड पर गिर जाता है जो सियोंग ने उसे दिया था। हानी टॉय वापस लेने के लिए जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दो लड़के चिल्लाते हुए सियोंग के पास से गुजरते हैं, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। सियोंग देखता है ये हानी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी हॉस्पिटल में होती है, उसका एक पैर पर प्लास्टर लगा हुआ होता है और सियोंग एग्जाम देने नहीं जा पाता। हानी सियोंग से माफी मांगती है और उसे बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं सच में तुम्हारी लाइफ में एक मुसीबत हूँ, इवन शायद इससे कहीं ज्यादा डिजास्टर हूँ। तभी जुन और हानी की फ्रेंड मीना उसे वहाँ देखने आती है। जुन सियोंग पर भड़कता है तुम्हारी वजह से हानी के साथ ऐसा हुआ है। हानी जुन को चुप रहने को कहती है और वहाँ से जाने को कहती है। मीना जुन को वहाँ से ले जाती है। सियोंग हानी से पूछता है मैं भी जाऊँ क्या। हानी बोलती है हाँ और सियोंग से मुँह फेर कर रोने लग जाती है। सियोंग वही खड़े होकर सब देख रहा होता है। इसके बाद हानी घर आ जाती है। सियोंग की मदर हानी को डाइनिंग टेबल पर साथ ना देखकर सियोंग से नाराज हो जाती है। तुम्हारी वजह से वो उदास है और सियोंग का खाना भी छीन लेती है, जब तक वो नहीं खाएगी तुम्हें भी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हानी सियोंग के घर से जाने का डिसाइड कर लेती है और अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है। तभी सियोंग वहाँ आता है। हानी का सामान देखकर बोलता है तुम जा रही हो। हानी बोलती है हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ की परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहती। सियोंग हानी को बोलता है तुम इसलिए जा रही हो क्योंकि मैं टेस्ट देने नहीं जा पाया, पर मैं ऐसा नहीं सोचता, और हानी को एक एनवलप देता है। हानी एनवलप खोलकर देखती है सियोंग ने पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और शॉक हो जाती है। हानी सियोंग से पूछती है तुम सच में इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्रेफरेंस तो ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। सियोंग हानी को बताता है पारंग यूनिवर्सिटी उसे अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है और अब्रॉड में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी भी, और हानी को बोलता है अब तक तुमने जो मेस किया है मुझे मजा आया, तुम्हारी वजह से पहली बार मुझे डर लगा कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। सियोंग हानी को थैंक्स बोलता है उसे अपनी लाइफ में नई चीजों के एक्सपीरियंस के लिए। ये सुनकर हानी सियोंग को बोलती है तो तुम मेरे लिए इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। सियोंग बोलता है तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए,
जब तक मुझे अपना इंटरेस्ट पता नहीं चल जाता तब तक मैं एक्साइटमेंट के साथ लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत हानि सियोम को बोलती है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे घर और रुक सकती हूँ? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। सियोम हानि से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? हानि बोलती है, श्योर तो नहीं हूँ पर ट्राई जरूर करूंगी। सियोम मान जाता है और उसका सामान वापस उसके कमरे में रख देता है। हानि सियोम से पूछती है, तुम्हें पहले से ही पता था तुम पारंग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैं गिल्ड की मारी मरी जा रही थी। सियोम बोलता है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था तुम्हें ऐसे देखकर। और हानि से पूछता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं एडमिशन कैंसिल कर सकता हूँ? हानि बोलती है, नहीं कोई नहीं, मुझे भी मजा आया। तिब्बत जून हानि के फादर के पास जाता है और उन्हें मक्खन लगाने के लिए गिफ्ट देता है ताकि फादर उसे अपनी रेसिपी सिखाए, लेकिन फादर उसे मना कर देते हैं। तभी कुछ कस्टमर वहां आते हैं जिन्हें जून अच्छे से अटेंड करता है तो फादर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि सियोम के लिए गिफ्ट खरीदने जाती है, पर जो भी वो खरीदना चाहती है काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हानि पैसे कमाने का सोचती है और एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लग जाती है। हानि जॉब की वजह से घर पर लेट हो जाती है और थक भी जाती है। सियोम की मदर हानि को रोज लेट आता हुआ देखकर बोलती है, आजकल तुम लेट क्यों हो जाती हो? हानि थकी हुई होती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। सियोम हानि के रूम में आता है और उससे पूछता है, आजकल तुम घर लेट क्यों आती हो? हानि सियोम को बोलती है, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? सियोम हानि को बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बस मेरी मदर लेट तक जागती रहती है तुम्हारी वजह से ताकि डोर खोल सके। हानि बोलती है, मुझे पता है पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, और सो जाती है। नेक्स्ट डे हानि स्टोर पर होती है, सियोम भी उसी स्टोर में सामान लेने आता है। हानि सियोम को देख लेती है और सियोम से बचने के लिए अपना पूरा मुंह ढक लेती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सियोम बिलिंग कराने काउंटर पर आता है, हानि को दिखता नहीं है तो सियोम को ज्यादा पैसे वापस कर देती है। स्टोर के ओनर को पता चलता है तो हानि को जॉब से निकाल देता है। इसके बाद हानि एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी की जॉब ज्वाइन कर लेती है और पहली ही डिलीवरी सियोम के घर होती है। हानि फिर से अपना फेस कवर कर लेती है और बच जाती है। इसके बाद मीना और हानि चूरी से मिलने जाती है क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे ना होने की वजह से पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो वो काफी अपसेट हो जाती है। दोनों फ्रेंड्स जूरी को हेयर ड्रेसर बनने का सजेशन देती हैं क्योंकि वह उसमें बेस्ट है। जूरी ये सुनकर खुश हो जाती है। तीनों फ्रेंड्स स्कूल के लास्ट मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि और सियोम स्कूल ग्रेजुएशन डे के लिए तैयार हो रही हैं। हानि सियोम को गिफ्ट में हेड मसाजर देती है लेकिन सियोम नहीं लेता। तभी मदर वहां आती है, सियोम को लेने को बोलती है पर सियोम चला जाता है। मदर हानि से पूछती है, तुमने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे खरीदा? हानि मदर को बताती है पार्ट टाइम जॉब करके। सियोम भी स्टेयर्स पर ही खड़ा होता है और सब सुन लेता है। के बाद सभी बच्चे स्कूल के हॉल में होते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। जून सियोम से पूछता है, तुमने पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया है? क्या इंटेंशन है तुम्हारा? तो यूनिवर्सिटी है और तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, आंख बंद कर भी पेपर दोगे तो भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, तो तुमने सिर्फ यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? सियोम जून को बोलता है, मैं तुम्हारी बकवास पर रिएक्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होती है। सियोम और हानि के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँचते हैं। प्रिंसिपल हानि और सियोम को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने के लिए स्टेज पर बुलाता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद हानि स्टेज से उतरते वक्त सियोम पर गिर जाती है। पूरा स्कूल उन पर हंसता है। इसके बाद मदर हानि को सियोम के पास जाने को कहती है फोटो क्लिक कराने के लिए, लेकिन हानि मना कर देती है, मुझे सियोम से डर लगता है। लेकिन फिर भी मदर हानि को जबरदस्ती सियोम के पास भेज देती है। सियोम हानि से पूछता है, तुम मेरे साथ फोटो क्लिक कराना चाहती हो? हानि डर की वजह से मना कर देती है। सियोम देखता है बाकी लड़कियां हानि पर हंस रही हैं, इसलिए उसे बुलाकर उसके साथ फोटो क्लिक कराता है। फोटो क्लिक कराते समय सियोम हानि को बोलता है, शायद तुमने मुझे उस दिन स्टोर पर ज्यादा पैसे दे दिए थे। हानि ये सुनकर हैरान हो जाती है। सियोम को पता था वो वहाँ काम कर रही थी। मदर भी इसी सिचुएशन में दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट लास्ट ग्रेजुएशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। जून हानि के लिए सबके सामने सॉन्ग गाता है। सियोम के सामने ये सब देखकर एम्बैरस्ड फील करती है।
जुन का परफॉर्मेंस खत्म होता है तभी जुन को हानी के फादर का कॉल आता है, उसे रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। ज्यादा कस्टमर होने की वजह से जुन अपने टोली के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद सियोंग के टीचर सबके सामने उससे पूछते हैं, क्या तुम पारंग यूनिवर्सिटी में हानी के लिए जा रहे हो? सियोंग बोलता है, अगर मैं किसी स्टूपिड लड़की की वजह से यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो ये मेरी इंसल्ट है। हानी को गुस्सा आता है, सियोंग ने उसे स्टूपिड कहा और सियोंग को बोलती है, तुम जीनियस पैदा हुए हो, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तो दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो। सियोंग हानी को बोलता है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, लोग खुद ही ऐसा सोच रहे हैं। हानी सियोंग को बोलती है, तुम सच में इंसान नहीं हो, तुम्हें उनकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है, तुम बहुत ही रूड हो। सियोंग हानी को बोलता है, तुम इस रूड लड़की को क्यों पसंद करती हो? हानी बोलती है, क्या बोल रहे हो? सियोंग हानी को याद दिलाता है, तुमने ही तो कहा था तुम मुझे पसंद करती हो, और तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी बस मेरा ही नाम लिखा है हर जगह। हानी सियोंग को बोलती है, अच्छा तो तुम इतनी दूर तक जाओगे, मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए, और सभी को सियोंग की लड़कियों वाले कपड़ों की बचपन की फोटो दिखाती है। सियोंग हानी को रोकता है, हानी नहीं मानती तो सियोंग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। हानी सियोंग को बोलती है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जितना मर्जी डराओ, तुमने मेरी फीलिंग का सबके सामने मजाक बनाया, इसलिए मैंने ये किया है, और अब मैं तुम्हें और पसंद नहीं करूंगी, सब खत्म, ग्रेजुएशन के साथ मेरा क्रश भी खत्म। सियोंग हानी को बोलता है, तुम ऐसे करोगी, मुझे भूलने की कोशिश करोगी, और हानी को किस करता है। हानी को समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ, क्या सच में सियोंग ने उसे किस किया है। हानी और सियोंग कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। मदर सियोंग को हानी को साथ ले जाने को बोलती है, लेकिन सियोंग उसे छोड़ जाता है। इसके बाद हानी कॉलेज में होती है और सोचती है, अगर सियोंग मुझे पसंद करता है तो मुझे अकेला छोड़कर कॉलेज क्यों आ गया, आखिरकार सियोंग चाहता क्या है। इसके बाद हानी अपनी फ्रेंड्स मीना और जूरी को शर्माते हुए बताती है सियोंग ने उसे किस की है। दोनों फ्रेंड्स ये सुनकर जोर से चिल्लाती हैं, क्या बात कर रही हो? मीना हानी को बोलती है, इसका मतलब है तुम दोनों कपल हुए। हानी बोलती है, वही तो समझ नहीं आ रहा है, नहीं वो बस खेल तो नहीं रहा है। इसके बाद हानी अपने फ्रेंड्स के साथ सियोंग की क्लास में उसे देखने जाती है। हानी को वहाँ देख कर क्लास से बाहर आता है और हानी से पूछता है, क्या चाहिए? हानी बोलती है, मैं तो बस तुम्हारी क्लास देखने आई थी। तभी एक लड़की बाहर आती है और सियोंग के पास खड़ी हो जाती है। इसका नाम हेरा है, ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। पहले दिन ही इसकी सियोंग के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। हेरा सियोंग से पूछती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सियोंग बोलता है, हो ही नहीं सकता। हानी सोचती है, ये क्या बोल रहा है। सियोंग वहाँ से चला जाता है। हानी को हेरा अपने और सियोंग के प्यार की दुश्मन लगती है। हानी घर जाकर सियोंग से हेरा के बारे में पूछती है। सियोंग हानी को हेरा के बारे में सब कुछ बताता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें जेलिसी हो रही है? हानी बोलती है, नहीं मुझे क्यों जेलिसी होगी। सियोंग बोलता है, क्यों होनी चाहिए ना, आखिरकार हम दोनों ने किस किया था। हानी बोलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सियोंग हानी के पास आता है। हानी को लगता है सियोंग उसे सेकंड किस करने वाला है, तो आंखें बंद कर लेती है। सियोंग हंसकर वहां से चला जाता है। हानी को गुस्सा आता है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, और सोचती है जो सियोंग ने उसे फर्स्ट किस किया था वो शायद उसके साथ एक प्रैंक था। नेक्स्ट डे हानी और सियोंग कॉलेज में लंच टाइम में कैंटीन जाते हैं। दोनों सेम लंच ऑर्डर करते हैं, लेकिन हानी की प्लेट फुल होती है और सियोंग की हाफ। ये देखकर सियोंग पूछता है, क्या कोई गलती हो गई है? तभी जुन बाहर आता है। जुन को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो हानी के लिए कैंटीन में काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि सियोंग पर नजर रख सके। हानी और सियोंग जुन को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। जुन सियोंग को बोलता है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मैंने खाने का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, पर कोई नहीं। हानी जुन से पूछती है, तुम मेरे फादर के रेस्टोरेंट में काम नहीं कर रहे हो क्या? जुन बताता है, वहाँ मैं इवनिंग शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है तो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, इसलिए दो जॉब कर रहा हूँ। और जुन सियोंग से बोलता है, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें मजा आया? सियोंग जुन को बोलता है, तुम कैसे लड़के हो जो एक लड़की को फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जुन बोलता है, इसे प्यार कहते हैं। के बाद हानी सियोंग के साथ बैठकर खाना खाना चाहती है, पर वो उसके पास से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग कॉलेज के ग्राउंड में बैठा होता है।
हानी उसे फॉलो करते हुए वहाँ आ जाती है और सियोंग के पीछे आकर बैठ जाती है। तभी ग्वांग वहाँ आ जाता है जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और सियोंग का एक अच्छा दोस्त भी। ग्वांग सियोंग को कॉलेज का एक्टिविटी क्लब ज्वाइन करने को कहता है। हानी ये सब सुन लेती है। ग्वांग के जाने के बाद हानी सियोंग से पूछती है वह कौन से कॉलेज क्लब की बात कर रहा था। सियोंग हानी को बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर बताया तो तुम मेरे पीछे वहाँ भी चली आओगी। लेकिन हानी कहाँ मानने वालों में से है, सियोंग को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। यह टेनिस क्लब है और इसमें हानी के दुश्मन हेरा भी है। हानी टेनिस क्लब ज्वाइन कर लेती है हालांकि उसे खेलना नहीं आता और क्वांग हेरा को पसंद करता है, इतना पसंद करता है कि उसके साथ टेनिस खेलते हुए हारना पसंद करता है। इसके बाद क्वांग सभी न्यू क्लब मेंबर का टेस्ट लेता है। हानी की टर्न आती है। हानी एकदम डरी होती है। क्वांग को बोलती है मैं अपनी जिंदगी में पहली बार टेनिस खेल रही हूँ तो प्लीज मेरे साथ आराम से खेलना। क्वांग हानी को बोलता है ये क्या बकवास कर रही हो और बॉल हानी की तरफ फेंकता है, सीधा जाकर हानी की नाक पर लग जाती है। इसके बाद हानी सियोंग और हेरा इंग्लिश का लेक्चर ले रहे होते हैं। जुन भी क्लास में आ जाता है और हानी को डिस्टर्ब करता है। तभी टीचर हानी के पास आकर इंग्लिश में पूछता है तुमने नाक पर बैंडेज क्यों लगाई है, क्या तुम्हें चोट लग गई है। हानी को इंग्लिश समझ ही नहीं आती टीचर क्या बोल रहा है। हानी को लगता है टीचर उसे चुप रहने को बोल रहा है क्योंकि वो जुन से बात कर रही थी। हानी टीचर को बोलती है आई शट द माउथ। क्लास के सभी बच्चे हानी की इंग्लिश पर हंसते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी घर पर मदर की किचन में हेल्प करती है। मदर हानी से पूछती है तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई। हानी मदर को बोलती है कॉलेज में मजा नहीं आ रहा, सब बहुत इंटेलिजेंट है और मुझसे ज्यादा सुंदर, और सियोंग को भी ऐसी ही लड़कियां पसंद आएंगी। मदर हानी को समझाती है तुम और सियोंग एक दूसरे के लिए बने हो और दोनों साथ में अच्छे लगते हो। सिर्फ जीनियस होने से कुछ नहीं होता, दोनों इंसान एक दूसरे को पूरा करते हैं। हानी मदर की बातें सुनकर मोटिवेट हो जाती है। तभी मदर को इंचू का स्कूल से फोन आता है, कुछ सामान घर भूल गया है, स्कूल भेजने को कहता है। मदर सामान हानी को लेकर इंजू के स्कूल में भेज देती है। हानी इंजू को सामान देती है और देखती है कि ग्राउंड में एक लड़की को खेलता हुआ देख रहा है। इंजू को वह लड़की पसंद होती है। हानी उस लड़की के पास जाकर उसे अपने घर में इनवाइट कर लेती है। दोनों बच्चे घर पर खेल रहे होते हैं पर उस लड़की को इंजू की कंपनी पसंद नहीं आती। तभी सियोंग रूम में आ जाता है और उसे सियोंग पसंद आ जाता है और सियोंग से पूछती है क्या आपको फर्स्ट साइट लव में यकीन है, क्योंकि मुझे पहली नजर में आप पसंद आ गए। और वह छोटे बच्चे सियोंग को उसका 7 साल इंतजार करने को कहती है। इंजू का तो दिल ही टूट जाता है और हानी का भी। इंजू नाराज होकर बैठ जाता है। हानी इंजू को जाकर समझाती है मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, अपनी हर कोशिश करो। इंजू और हानी की सारी बात हानी के फादर सुन लेते हैं और उन्हें बुरा लगता है ये देख कर कि उनकी बेटी यहाँ पे खुश नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सियोंग हेरा को अपने घर असाइनमेंट करने के लिए ले आता है। सियोंग के भाई इंजू को हेरा अच्छी लगती है। हानी उन तीनों को देखकर सोचती है जब मैं आई थी तब तो इन दोनों भाइयों का रिएक्शन कुछ और ही था और इसके साथ तो बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी के फादर हानी को सियोंग के घर से मूव होने को कहते हैं क्योंकि वो हानी को वहाँ रहकर और हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते। हानी के फादर घर में सभी को वहाँ से मूव होने की बात बता देते हैं। मदर ये सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है काश सियोंग हानी से शादी कर ले और हानी हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। इंजू मदर की बात सुन लेता है और सियोंग को जाकर बताता है हानी अपने फादर के साथ यहाँ से जा रही है। यह सुनकर सियोंग हानी के पास आता है और उससे पूछता है तुम जा रही हो। हानी सियोंग को बोलती है क्यों तुम दुखी हो। सियोंग बोलता है नहीं ये तो अच्छी बात है, फाइनली मेरी लाइफ अब नॉर्मल हो जाएगी। हानी बोलती है सही कह रहे हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद रखनी चाहिए। नेक्स्ट डे हानी के फादर हानी को लेकर जा रहे होते हैं। मदर हानी के जाने से बहुत दुखी होती है। हानी मदर को शुक्रिया बोलती है उसे माँ जैसा प्यार दुलार देने के लिए। मदर रोने लग जाती है तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। फादर हानी को ले जाते हैं। सियोंग हानी के वहाँ से जाते ही मदर को बोलता है आज हमें आप खाना नहीं खिलाओगी क्या। मदर गुस्से में सियोंग को बोलती है यह सब तुम्हारी गलती है। इसके बाद सियोंग हानी के रूम में जाता है और देखता है हानी उसका दिया हुआ टॉय वहीं छोड़ गई है। के बाद हमें दिखाया जाता है जुन पूरे कॉलेज में यह बात फैला देता है कि हानी ने सियोंग से ब्रेकअप कर लिया है। हानी जुन के पास जाती है और उसे यह सब बंद करने को कहती है। तभी हेरा और सियोंग वहाँ आते हैं। हेरा हानी की इंसल्ट करती है।
हानी बोलती है, मुझे सियोम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपसे हम बस स्ट्रेंजर्स है, और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सियोंग और हानी कॉलेज में टेनिस क्लब में होते हैं। तभी क्वांग वहाँ आता है और सियोंग से पूछता है, नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे हमारा क्लब एम्प्टी में 2 nights 3 days के लिए जा रहा है, क्या तुम भी चलोगे? सियोंग मना कर देता है। क्वांग सियोंग को बोलता है, चलो बैट लगाते हैं, अगर टेनिस का मैच मैं जीता तो तुम साथ चलोगे, अगर तुम तो जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। सियोंग एग्री हो जाता है। क्वांग हानी और सियोंग को एक टीम में कर देता है और खुद को हेरा को एक टीम में। पर टेनिस मैच स्टार्ट होता है। हानी सियोंग की टीम में थी, उसका हारना तो निश्चित ही था, और वही होता है। हारने के बाद सियोंग हानी को बोलता है, थैंक यू, जिंदगी में पहली बार हारा हूँ तुम्हारी वजह से। तभी क्वांग सियोंग के पास आता है और उसे एक और जीतने का मौका देता है, एक और मैच करने को बोलता है। एमटी से वापस आते समय लास्ट डे मैच रखता है। सियोंग एग्री हो जाता है। इस बार सियोंग हारना नहीं चाहता, इसलिए हानी को टेनिस खेलना सिखाता है। हानी भी खूब मेहनत करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, सभी लोग एमटी पहुंचते हैं। क्वांग हानी को आज शाम की टेनिस प्रैक्टिस से आने से मना कर देता है और उसे सभी के लिए खाना बनाने को कहता है। सियोंग क्वांग को बोलता है, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो, तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे? क्वांग कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। सियोंग हानी को बोलता है, जल्दी से खाना बनाना और उसके बाद बचे हुए टाइम में टेनिस की प्रैक्टिस करने आना, मुझे यह मैच किसी भी हाल में जीतना है, और वहां से चला जाता है। हेरा हानी को बोलती है, जैसा कि तुमने नोटिस किया है मैं सियोंग में इंटरेस्टेड हूं और मैं उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाली हूं। हानी हेरा को बोलती है, मुझे क्यों बता रही हो? इसके बाद हानी खाना बनाती है पर उसे बनाना नहीं आता, तो सियोंग से मदद करने को बोलती है। सियोंग पूरा खाना तैयार कर देता है। हानी सियोंग को देखती ही रह जाती है। बाकी टीम मेंबर भी हानी से इम्प्रेस हो जाते हैं खाना देखकर, उन्हें लगता है हानी ने बनाया है। सियोंग भी चुप ही रहता है। इसके बाद सियोंग हानी को टेनिस की प्रैक्टिस कराता है। आखिरकार हानी खेलना सीख जाती है। हानी को फिर से नेक्स्ट डे का भी लंच तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन इस बार सियोंग उसकी हेल्प नहीं करता। हानी सारा खाना जला देती है और वही सर्व भी कर देती है और बोलती है, जला हुआ है पर टेस्ट अच्छा है। तभी जला हुआ खाना देख कर डर जाते हैं। हानी सभी को बताती है, लास्ट टाइम खाना उसने नहीं सियोंग ने बनाया था। सियोंग फिर भी चुप ही रहता है। इसके बाद हेरा सियोंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हानी और क्वांग पौधे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। हानी अचानक से क्वांग को वहाँ देखकर आवाज करती है। सियोंग सुन लेता है और वहाँ जाकर देखता है। हानी और क्वांग एकदम नजदीक होते हैं। सियोंग को लगता है शायद वो कुछ कर रहे थे। सियोंग क्वांग को बोलता है, सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मैं हानी को लेकर जा रहा हूँ टेनिस मैच की प्रैक्टिस के लिए। सियोंग वहाँ से हानी को ले जाता है और उसे बोलता है, बहुत अच्छा काम कर रही थी अभी तुम, गुड, वेरी गुड। हानी सियोंग को समझाती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे। हेरा की बात भी बीच में ही रह जाती है, सियोंग का जवाब नहीं सुन पाती। हानी टेनिस की प्रैक्टिस कर रही होती है, खेलते खेलते हानी का पैर स्लिप हो जाता है और चोट लग जाती है। सियोंग हानी की इंजरी देखकर क्वांग को मैच कैंसिल करने को कहता है और हानी को पीठ पर बिठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ जुन भी हानी के प्यार में खुद को बदल लेता है, कुंडे से स्मार्ट हैंडसम और जेंटलमैन बन जाता है। तभी सियोंग हानी को वहाँ छोड़ने आता है। हानी की चोट देखकर फादर और जुन घबरा जाते हैं। जुन सियोंग को डांटता है। हानी फिर से सियोंग की साइड लेती है। जुन बोलता है, ठीक है मैं चुप ही रहूंगा। सभी हैरान हो जाते हैं जुन के बदलाव से। इसके बाद नेक्स्ट डे हानी सियोंग को देखने उसकी क्लास के बाहर जाती है। क्लास खत्म हो जाती है, सियोंग और हेरा बाहर आते हैं। उन्हें देखकर हानी छुप जाती है। हेरा सियोंग को आज मूवी देखने के लिए चलने को कहती है और सियोंग एग्री हो जाता है। हानी सुन लेती है। हानी सियोंग और हेरा को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचती है। वहाँ हानी क्वांग से फिर से टकरा जाती है। क्वांग हानी को बताता है, तुम सियोंग को पसंद करती हो और मैं हेरा को, हम दोनों मिलकर मूवी हॉल में मूवी देखने चलते हैं, इससे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और उन पर नजर रखेंगे। हानी को क्वांग का आइडिया पसंद नहीं आता। क्वांग बोलता है, अगर सियोंग और हेरा मूवी देखते हुए पास आ गए तो? हानी सुनकर तुरंत हाँ बोल देती है। दोनों मूवी हॉल में चले जाते हैं। सियोंग और हेरा के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। हेरा सियोंग के कंधे पर सर रखने ही वाली होती है, पर क्वांग जानकर उसे डिस्टर्ब कर देता और हेरा नहीं कर पाती। मूवी हॉल से बाहर निकलकर हानी क्वांग को बताती है, मैं उन्हें और फॉलो नहीं करूंगी क्योंकि अब मैं उन्हें और साथ में नहीं देख सकती
अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ऐसे फॉलो करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंग हानि को बोलता है, तो तुम इस तरह दोनों को आगे बढ़ने दोगी, रोकोगी नहीं? हानि बोलती है, अब मैं खुद को और बेवकूफ नहीं बनाना चाहती, और वहां से जाने लगती है। एक आदमी से टकरा जाती है जो आइसक्रीम लेकर जा रहा होता है। आइसक्रीम उस आदमी के कोट पर लग जाती है। वह आदमी उसकी भरपाई करने को बोलता है और बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास नहीं होते। आदमी गुआंग पर चढ़ जाता है और हानि को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। तभी सियोंग वहां आ जाता है, हानि को उठाता है। गुआंग उस आदमी को बोलता है, सियोंग रिच है, ये तुम्हें पैसे देगा। सियोंग हानि को तुरंत लेकर वहां से भाग जाता है और गुआंग हीरा को लेकर। सियोंग हानि को बोलता है, थैंक यू, फिर से मैंने एक और नई सिचुएशन का एक्सपीरियंस किया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। और हानि को बोलता है, तुम फिर सफल रही मुझे फॉलो करने में। हानि सियोंग से पूछती है, तुम्हें पता था मैं और गुआंग तुम्हें फॉलो कर रहे थे? सियोंग हानि को बोलता है, ये कैसे हो सकता है मुझे ना पता हो, ये ऑब्वियस है, तो मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? हानि सियोंग को अपनी सफाई देती है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और सियोंग से पूछती है, अगर तुम हीरा को पसंद करते हो तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। सियोंग हानि को जवाब नहीं देता और उसे बोटिंग करने के लिए ले जाता है। हानि सियोंग से पूछती है, यहाँ सभी कपल आते हैं? सियोंग हानि को बताता है, तुम्हें नहीं पता इस जगह को लेकर रूमर्स है, अगर कोई भी कपल यहाँ साथ आता है तो अगले 6 महीने में उसका ब्रेकअप हो जाता है। और हानि को बोलता है, तुम चिंता मत करो, इसका असर हम पर नहीं पड़ेगा, हम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कहाँ कर रहे हैं। हानि यह सुनकर तुरंत उठ जाती है और सियोंग को यहाँ से चलने को बोलती है, लेकिन हानि का बैलेंस बिगड़ जाता है और हानि पानी में गिर जाती है। हानि को बचाते हुए सियोंग भी कूद जाता है। इसके बाद सियोंग हानि के लिए नए कपड़े और खाना लाता है। हानि यह देखकर खुश हो जाती है, सियोंग उसका कितना ख्याल रख रहा है। सियोंग हानि को बोलता है, पहले मैं तुमसे भाग रहा था पर और भागना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे साथ नई चीजों का एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है जो पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। हानि तुरंत बोलती है, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? सियोंग बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने कहा मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता और तुम कुछ भी कंक्लूजन मत निकाल लिया करो। हानि यह सुनकर भी खुश हो जाती है, एटलीस्ट सियोंग उसे हेट तो नहीं करता। और सियोंग को बोलती है, मैं ग्लैमरस नहीं हूँ, खाना बनाना नहीं जानती, जीनियस भी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए सब करने की कोशिश करूंगी। सियोंग हानि को बोलता है, सच में करोगी? तो कॉलेज के मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें अच्छे ग्रेड्स लाकर दिखाओ। हानि बोलती है, पर मुझे एग्जाम अच्छे नहीं लगते, क्या ग्रेड्स ही चलेगा? सियोंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ गुआंग भी हीरा को अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा को देखकर गुआंग के शब्द लड़खड़ा जाते हैं और गुआंग अपनी बात उसे कह नहीं पाता। इसके बाद हानि के फादर हानि को बताते हैं, नया घर बनने में काफी समय लग सकता है, मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात की है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि कॉलेज में गुआंग को हीरा को प्रपोज करने का तरीका बताती है। हानि गुआंग को बोलती है, हीरा की आंखों में आंखें डालो और कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपनी बात कह दो। गुआंग बोलता है, मैं ठीक से उसे देख नहीं पाता, उसकी आंखों में कहां से देखूं? हानि बोलती है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, सोचो मैं हीरा हूं। गुआंग ट्राई करता है, गुआंग से नहीं होता। हानि सिचुएशन क्रिएट करती है और गुआंग को सब करके दिखाती है। कुछ स्टूडेंट हानि और गुआंग को साथ देख लेते हैं और उन्हें लगता है दोनों किस कर रहे थे। ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और उड़ते हुए सियोंग के पास भी पहुंच जाती है। हानि और गुआंग को एक साथ देखकर सियोंग को इस रूमर पर विश्वास भी हो जाता है। मीना और जूरी हानि को जाकर बताते हैं, पूरे कॉलेज बात कर रहा है, तुमने गुआंग को किस किया? हानि फ्रेंड्स को बोलती है, क्या मजाक कर रही हो, मैं गुआंग को किस क्यों करूंगी? फिर हानि को याद आता है सियोंग को भी यह पता चल गया होगा, पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। हानि सियोंग के पास जाती है और बोलती है, ये बकवास है, तुम्हें तो पता है ऐसा नहीं हो सकता। सियोंग हानि को इग्नोर करके चला जाता है। हानि को समझ नहीं आता क्या करूं। हानि सियोंग को मनाने उसके घर जाती है। घर में सियोंग का भाई इंजू जमीन पर पड़ा होता है, वह पेट दर्द से तड़प रहा होता है। फादर और मदर घर पर नहीं होते, एक दिन के लिए बाहर गए हुए होते हैं। हानि सियोंग को कॉल कर बताती है। सियोंग हानि को एम्बुलेंस बुला कर उसे हॉस्पिटल में ले जाने को बोलता है। हानि सियोंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर हानि को बताते हैं छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी
और हानि को तुरंत डिसीजन लेने को कहते हैं। हानि घबरा जाती है, क्या करूं? फिर सर्जरी के लिए हाँ बोल देती है। सियोंग भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है, अब सब ठीक है। सियोंग हानि को थैंक यू बोलता है सही समय पे सही डिसीजन लेने के लिए। हानि सियोंग को बोलती है ग्वांग और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सियोंग हानि को बताता है ग्वांग ने उसे सब बता दिया है। हानि रोने लग जाती है और सियोंग को बोलती है मैं डर गई थी, मुझे लगा मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। सियोंग के पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं और मदर हानि के फादर को दोबारा उनके घर शिफ्ट होने को कहती है। फादर बोलते हैं मैंने ये सब हानि के लिए ही किया था। मदर हानि के फादर को बताती है मुझे पता है, पर सियोंग और हानि एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस मान नहीं रहे, एक साथ रहेंगे तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद हानि सियोंग को फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने को बोलती है, कितना अच्छा होगा लोगों को बचाना। इसके बाद सियोंग और हानि इंजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाते हैं। हानि के फादर हानि को बताते हैं हम फिर से यहीं शिफ्ट हो गए हैं। हानि ये सुनकर खुश हो जाती है, फिर से सियोंग के पास आ गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि शावर लेने बाथरूम में जाती है और उसके अंडरगार्मेंट्स भारी गिर जाते हैं। हानि बाहर आकर देखती है, सियोंग हानि को उसके अंडरगार्मेंट उठाकर वापस करता है। तभी सियोंग के फादर वहाँ आ जाते हैं, उन दोनों को साथ ऐसे देखकर बोलते हैं शादी से पहले तुम दोनों थोड़ा ध्यान रखो। हानि एम्बेरस होकर फटाफट से रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे हानि बाइसाइकिल से कॉलेज जाती है, उसे सियोंग देखता है। हानि सियोंग को हाई बोलती है लेकिन सियोंग फिर से एटीट्यूड के साथ उसे इग्नोर कर चला जाता है। पर सियोंग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह परेशान होता है, सियोंग के फादर चाहते हैं वो उनका बिजनेस हैंडल करे, पर सियोंग अपने फादर के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता। इसके बाद हानि सियोंग के रूम में लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने जाती है। हानि को सियोंग के बेड पर न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें सियोंग पार्ट टाइम जॉब और एक घर रहने के लिए ढूंढ रहा है। तभी सियोंग रूम में आता है। हानि सियोंग से पूछती है तुम रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो? सियोंग बोलता है हाँ। हानि बोलती है क्यों? सियोंग हानि को बोलता है मुझे कहीं भी जाने के लिए क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? सियोंग को बोलती है मेरी वजह से शिफ्ट हो रहे हो? सियोंग हानि को बोलता है ऐसा नहीं है, हर बात खुद से क्यों जोड़ लेती हो? इसके बाद सियोंग अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है और अकेले रहकर खुद को जानना चाहता है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, किस तरह का इंसान हूँ मैं। सियोंग के फादर उसके इस आइडिया से एग्री हो जाते हैं पर मदर खुश नहीं होती। सियोंग वहाँ से चला जाता है। हानि सियोंग के जाने से अपसेट हो जाती है, वो उसके लिए वहाँ आई थी और वही वहाँ से चला गया। ये बात ग्वांग जानकर हानि को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ सियोंग काम करता है। हानि सियोंग को फिर से देखकर खुश हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन सियोंग बात करने से मना कर देता है, मैं अभी वर्किंग टाइम में हूँ। वहाँ हानि को पता चलता है हेरा ने भी सियोंग के साथ पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली है। पता चलने पर तो हानि का दिमाग ही खराब हो जाता है। के बाद हानि सियोंग के रेस्टोरेंट में अपना डेरा डाल लेती है। हानि की सुबह शाम और पढ़ाई रेस्टोरेंट में ही होती है लेकिन सियोंग हानि को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। सियोंग को देखने के चक्कर में हानि के सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाता है लेकिन हानि सियोंग का इंतजार करती है उसका पीछा करने के लिए ताकि पता चल सके वह कहाँ रहता है। हानि देखती है सियोंग हेरा को अपने साथ लेकर जा रहा है और दोनों सेम बिल्डिंग में जा रहे हैं। हानि ये देखकर एकदम टूट जाती है क्योंकि हानि को लगता है हेरा और सियोंग एक साथ रहते हैं। हानि ये सोचकर पागल हो जाती है, पता नहीं दोनों साथ रहकर क्या क्या करते होंगे। हानि सियोंग के गम में सही से खाना भी नहीं खाती। मदर हानि को ऐसे देखकर परेशान हो जाती है। हानि की फ्रेंड्स भी उसे समझाती है पर हानि बोलती है अब मैं सच में सियोंग को पसंद नहीं करती। चोरी हानि को बोलती है तुम ये कई बार बोल चुकी हो, अब तो मेरे कान भी मना कर रहे हैं तुम्हारी बात को सुनने से। हानि बोलती है नहीं इस बार सच में, क्योंकि हेरा और सियोंग साथ में रहते हैं, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास करने को। हानि सियोंग को फॉलो करना बंद कर देती है। सियोंग इसे नोटिस करता है, अचानक से हानि कहाँ गायब हो गई है। हानि की फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड का ऐसा हाल देखकर सियोंग के पास आती हैं और उसे बोलती है हमारी फ्रेंड तुम्हारी वजह से सही से खा पी नहीं रही, उसने अपना बुरा हाल कर रखा है, जब से उसे पता चला है तुम और हेरा साथ रहते हो और उसने खुद तुम दोनों को साथ देखा है। मीना सियोंग को बोलती है जल्दी से हमारी फ्रेंड को जाकर सच बताओ और उसे और बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हें पता है वो कितना पसंद करती है तुम्हें। सियोंग उनकी बात सुनकर हंसता है और बोलता है मैं हानि को जाकर खुद सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद सियोंग हानि के पास बात करने जाता है। तभी एक स्टूडेंट वहाँ आती है और सियोंग को वहाँ देख कर बोलती है थैंक यू मुझे पढ़ाने के लिए।
हानी को स्टूडेंट से पता चलता है सियोंग और हेरा इस बिल्डिंग में उस स्टूडेंट को पढ़ाने गए थे, एक साथ नहीं रहते हैं। ये जानकर हानी की जान में जान आती है। इसके बाद हानी सियोंग के लिए खुद अपने हाथों से चॉकलेट बनाती है और रेस्टोरेंट लेकर जाती है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है और कैब खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी हानी बारिश में भीगते हुए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर हानी बेहोश हो जाती है। सियोंग हानी को ऐसे देखकर घबरा जाता है। सियोंग हानी को फर्स्ट एड दे देता है। हानी बेहोशी से जाग जाती है। सियोंग हानी को घर छोड़ने के लिए कैब का वेट करता है, पर कोई कैब नहीं रुकती बारिश की वजह से। हानी सियोंग को बोलता है, मेरा अपार्टमेंट 10 मिनट की दूरी पर है, आज तुम यहीं रुक जाओ, सुबह घर चली जाना। सियोंग हानी को अपने अपार्टमेंट लेकर जाता है और हानी को अपने कपड़े चेंज करने के लिए देता है। इसके बाद सियोंग हानी को फ्लोर पर सोने को कहता है। मेरे पास एक ब्लैंकेट है, तुम मेरा कोट ढक कर सो जाओ। हानी सियोंग को बोलती है, क्या बोल रहे हो, यूजुअली लड़के इस सिचुएशन में कुछ और ही बोलते हैं। सियोंग हानी को बोलता है, मैं हमेशा क्या वही बोलूंगा जो तुम चाहोगी। लेकिन हानी सियोंग से बैट ले ही लेती है और उसका ब्लैंकेट भी। सियोंग फ्लोर पर सो रहा होता है। हानी को फिर भी चैन नहीं आता, बार बार सियोंग को परेशान करती है। हानी सियोंग को बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम फ्लोर पर सो रहे हो। सियोंग बोलता है, कोई बात नहीं। हानी बोलती है, फिर भी सियोंग परेशान हो जाता है और हानी को बोलता है, ठीक है हम दोनों एक साथ सो जाते हैं, तुम ऐसा नहीं मानोगी। हानी नर्वस हो जाती है। सियोंग बोलता है, कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, जो तुम सोच रही हो वो नहीं होगा। हानी बेचारे सियोंग को चैन से सोने नहीं देती, कभी उसे सोते हुए लात मारती है, कभी ब्लैंकेट खींच लेती है और साथ ही हानी के खराटे सियोंग को सोने नहीं देते। मॉर्निंग में उठते ही सियोंग से पूछती है, क्या तुम रात को अच्छे से सोए। सियोंग हानी को बोलता है, तुम्हारे साथ सोना एक डिजास्टर था। हानी पूछती है, क्यों। सियोंग बोलता है, तुम्हारी टेरेबल स्लीपिंग हैबिट की वजह से। हानी सियोंग को बोलती है, ये क्या बोल रहे हो, मैं तो शांत होकर सोती हूँ। सियोंग बोलता है, मजाक करना बंद करो। इसके बाद हानी सियोंग के पहनने के लिए शर्ट और शूज चूज करती है। सियोंग वो बिल्कुल भी नहीं पहनता। दोनों कॉलेज पहुँचते हैं। सियोंग की मदर कॉलेज में पोस्टर लगवा कर पूरे कॉलेज में बात फैला देती है कि लास्ट नाइट हानी और सियोंग दोनों एक साथ थे। सियोंग पोस्टर देखकर शॉक हो जाता है। मदर भी स्टूडेंट के भेस में वही होती है। सियोंग मदर को पकड़ लेता है और उन्हें यह सब ठीक करने को कहता है। इसके बाद मदर हानी से पूछती है, क्या तुमने सियोंग को चॉकलेट दी जो तुमने बनाई थी। हानी को याद आता है, चॉकलेट का डिब्बा तो वो कहीं भूल गई है। मदर हानी को बोलती है, चॉकलेट प्यार का सिंबल है, तो मैं ऐसे कैसे भूल गई। जुन को भी हानी और सियोंग की लास्ट नाइट साथ बिताने की बात पता चल जाती है और अपना दुख जूरी को जाकर बताता है। जूरी बोलती है, हानी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर बताती, उसने मुझे किस की बात भी बताई थी। ये सुनकर तो जुन का और भी दिमाग खराब हो जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हेरा सियोंग को बोलती है, पूरा स्कूल तुम्हें और हानी को लेकर बात कर रहा है। सियोंग हेरा को बोलता है, तुम तो जानती हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हेरा बोलती है, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हानी एग्जाम के लिए स्टडी करना शुरू कर देती है, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हानी उसमें काफी वीक है। दूसरी ओर सियोंग को हानी की चॉकलेट का बॉक्स घर पर मिल जाता है। सियोंग चॉकलेट टेस्ट करता है, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पर उसे अच्छा लगता है हानी ने उसके लिए ट्राई किया। इसके बाद कॉलेज में इंग्लिश का टेस्ट होता है। सियोंग हानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ। हानी सियोंग को बताती है, मैं पूरी रात पढ़ रही थी। हेरा हानी को बोलती है, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, वैसे भी तुम इंग्लिश में इतनी कच्ची हो, तो तैयार हो जाओ एक साल रिपीट करने के लिए। हानी को हेरा पर गुस्सा आता है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं टेस्ट और एग्जाम में दोनों अच्छा करके दिखाऊंगी। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। हानी इमेजिन करती है सियोंग ने अपनी आंसर शीट हानी को दे दी है। ये देखकर हेरा को हानी पर गुस्सा आता है और हानी उसे चिढ़ाती है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सियोंग एग्जाम देकर क्लास से चला जाता है। इसके बाद मीना और जूरी जून को बताती है, उस रात सियोंग और हानी के बीच कुछ नहीं हुआ था। जून खुश हो जाता है, सच में सियोंग कितना अच्छा लड़का है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, एक लड़का हानी के पास आता है और उसे डेट करने के लिए पूछता है। इसका नाम गिंगते है और ये क्वांग का फ्रेंड है। क्वांग गिंगते को बोलता है, तुम्हें पता नहीं पूरा कॉलेज जानता है हानी सियोंग को पसंद करती है। गिंगते बोलता है, मुझे पता है, पर दोनों डेटिंग थोड़ी कर रहे हैं। हानी गिंगते को बोलती है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। गिंगते हानी को बोलता है, इस वीक के एंड में हम दोनों साथ चलते हैं,
एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा। हानि कुछ नहीं बोलती और सोचती है फर्स्ट टाइम किसी ने उसे ऐसे कन्फ्यूज किया है। हानि ये बात अपनी फ्रेंड्स को जाकर बताती है और फ्रेंड सियोंग को, ताकि उसे जला सके। सियोंग फ्रेंड्स को बोलता है, तो क्या हुआ, और तुम दोनों मुझे ये सब बताने आई थी। हानि सियोंग की सारी बातें सुन लेती है। सियोंग की मदर को भी पता चल जाता है हानि को कॉलेज में किसी लड़की ने डेट के लिए पूछा है। मदर दुखी हो जाती है, कहीं हानि का दिल उस लड़की पे आ गया तो हानि यहाँ से चली जाएगी। हानि मदर को बोलती है, आप चिंता ना करें, वैसे भी मैं गिंगते को रिजेक्ट करने वाली हूँ। मदर खुश हो जाती है और हानि को बोलती है, गिंगते को रिजेक्ट अभी मत करो, सियोंग को जेलस करो, सियोंग तुम दोनों को साथ देखेगा, जरूर तुम्हारे पास आएगा। हानि जानकर गिंगते के साथ उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ सियोंग काम करता है, लेकिन सियोंग पर कोई असर नहीं होता। गिंगते हानि के पास आकर बैठ जाता है, हानि के साथ आगे घूमने का प्लान डिस्कस करता है। हानि भी कंटिन्यू रखती है सियोंग को दिखाने के लिए। इसके बाद हानि और गिंगते साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं। हानि को बुरा लगता है गिंगते उसके साथ इतना अच्छा है, पर वह इसका इस्तेमाल कर रही है सियोंग के लिए। इसके बाद हानि सियोंग को देखने लाइब्रेरी में जाती है, तभी गिंगते वहाँ आ जाता है और हानि को बोलता है, सियोंग को भूल जाओ, मुझे याद रखो, और हानि को किस करने वाला होता है। तभी चुन वहाँ आता है, गिंगते को हानि के साथ ऐसे करते हुए देखकर उसे मारता है। दोनों एक दूसरे को पीटना शुरू हो जाते हैं। तभी सियोंग वहाँ आता है और बोलता है, तुम दोनों हानि के लिए लड़ रहे हो, पर हानि तो सिर्फ मुझे पसंद करती है, तो ये सब मत करो, दोनों बेकार है। और हानि को बोलता है, मदर ने आज हमें साथ लंच के लिए बुलाया है। हानि को वहाँ से ले जाता है। हानि सियोंग को बोलती है, अभी तुमने अंदर क्या कहा, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, कभी तुमने सोचा है मेरा दिल बदल भी सकता है। सियोंग बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। हानि सियोंग से पूछती है, तुम जेलस तो हुए थे। सियोंग हानि को बोलता है, तुम शो ऑफ कर रही थी, मुझे पता है तुम्हारी और मेरी मदर की मिली भगत है। इसके बाद सियोंग हानि और पूरी फैमिली के साथ बैठकर लंच करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोंग रेस्टोरेंट की जॉब छोड़कर क्वांग के साथ एक विला में टूरिस्ट को गाइड करने का पार्ट टाइम जॉब ले लेता है। हानि को पता चल जाता है, हानि इंजो को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। हेरा भी वहाँ सियोंग के चक्कर में आ जाती है। हेरा को वहाँ देख कर हानि को गुस्सा आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि बेंच पर बैठी होती है, तभी सियोंग वहाँ आता है और हानि को किस करता है। हानि को लगता है नींद में होने की वजह से शायद ये ड्रीम है। इसके बाद हानि सियोंग से पूछती है, तुम्हें पता है हमारे स्कूल की रियूनियन है और ड्रेस कोड हमारी यूनिफॉर्म, इतना मजा आया आपसे दोबारा मिलकर। सियोंग हानि को बोलता है, इन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हानि स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार होती है और जो लेटर उसने सियोंग को दिया था उसे देखकर हंसती है और शुक्र मनाती है सियोंग ने उसे एफ क्रेडिट नहीं दिया। इसके बाद हानि रियूनियन पार्टी में पहुंचती है। सियोंग भी वहाँ होता है पर हानि को घर की चाबी देने आया हुआ होता है। सियोंग हानि को चाबी देकर जा रहा होता है, लेकिन सियोंग के कुछ क्लासमेट्स उसे वहाँ रोक लेते हैं। सियोंग थोड़ी देर बाद ही बिना हानि को कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हानि सियोंग को बताती है, मेरा ड्रीम है सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना, अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो मैं नर्स बनना चाहती हूँ। ये सुनकर सियोंग हानि को बोलता है, सपने सिर्फ सपने ही होते हैं, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कभी नर्स बन पाओगी, फिर भी तुम ट्राई करना। हानि ये सुनकर अपसेट हो जाती है। इसके बाद सियोंग के फादर को कॉलेज से पता चलता है सियोंग ने आगे मेडिकल लाइन में जाने का डिसाइड कर लिया है। सियोंग के फादर उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं सियोंग उनका बिजनेस हैंडल करे, लेकिन सियोंग नहीं मानता, ये मेरे लाइफ है। फिर फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फादर हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं, तुम्हारे फादर की कंडीशन सीरियस है और हो सकता है बाईपास सर्जरी भी करनी पड़े, और ध्यान रखना कि कुछ दिन वह कोई भी काम ना करे और टेंशन ना ले। मदर सियोंग को बताती है, उसके फादर एक गेम रिलीज करने वाले थे, उसकी टेंशन में ही ये सब हुआ है। सियोंग फादर की ये हालत देखकर फादर की कंपनी को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। सियोंग हानि को बताता है, फादर की हार्ट सर्जरी होगी तो वह अपने फादर की कंपनी ज्वाइन कर रहा है। हानि सियोंग को बोलती है, तुम तो डॉक्टर बनना चाहते थे। सियोंग हानि को बताता है, मेरा इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर सबकी खुशी के लिए करना होगा। सियोंग फादर की कंपनी में काम करना शुरू कर देता है, न्यू गेम रिलीज के लिए दिन रात मेहनत करता है। हानि सियोंग को देखकर दुखी होती है कि वह उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। हानि मदर से बात कर सियोंग के फादर की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेती है। सियोंग को कंपनी के मैनेजर से पता चलता है कंपनी काफी लॉस में है
और न्यू इन्वेस्टर हेरा के ग्रैंडफादर हैं। सियोंग से मीटिंग के बाद हेरा के ग्रैंडफादर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और चाहते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी सियोंग से हो। ग्रैंडफादर सियोंग और हेरा को मिलवाते हैं। हेरा सियोंग को देखकर खुश होती है पर सियोंग नहीं। मदर हानी को सियोंग और हेरा की मैरिज मीटिंग की बात बता देती है। हानी ये सुनकर शॉक हो जाती है। हानी सियोंग से इस बारे में पूछती है, क्या तुम सच में हेरा से शादी कर रहे हो? सियोंग बोलता है, मैरिज मीटिंग का क्या मतलब है? सियोंग अपने फादर के बिजनेस को बचाने के लिए शादी के लिए हाँ बोल देता है। हानी सियोंग के ऑफिस जाना छोड़ देती है। बाद जुन हानी से डेट पर चलने के लिए पूछता है और हानी हाँ बोल देती है। सियोंग घर में हानी को न देख कर इंजो से पूछता है, हानी कहाँ है? इंजो बताता है, हानी डेट पर गई है एकदम तैयार होकर, लाल परी बनकर। लेकिन सियोंग पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। जुन और हानी साथ में एंजॉय करते हैं। जुन हानी का एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह ध्यान रखता है। हेरा के ग्रैंडफादर सियोंग और हानी की शादी की बात सियोंग के पेरेंट्स से करते हैं। फादर एग्री हो जाते हैं लेकिन मदर नहीं करवाना चाहती, पर सियोंग के फादर मदर को चुप करा देते हैं। दूसरी ओर सियोंग भी हेरा के साथ डेट पर होता है लेकिन हानी को मिस करता है। सियोंग और हानी अपने अपने पार्टनर के साथ घूम रहे होते हैं। एक कैफे में दोनों टकरा जाते हैं। सियोंग हानी और जुन को साथ देखकर इंसल्ट करता है। हानी सियोंग को इग्नोर करती है और जुन को वहां से ले जाती है। जुन हानी को शादी के लिए प्रपोज करता है, मैं तुम्हें 4 साल से पसंद करता हूं और तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। सियोंग ने भी अपना पार्टनर चुन लिया है। सियोंग को और फॉलो करना बंद करो और मुझसे शादी कर लो। हानी को समझ नहीं आता वो क्या करे, लाइफ कहाँ लेकर जा रही है। हानी मीना और जूरी को जाकर बताती है जुन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। फ्रेंड्स ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती हैं और हानी से पूछती है, तो तुमने क्या जवाब दिया? हानी बताती है, मैंने जुन को कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे पता है जुन एक बहुत अच्छा लड़का है पर मैं उसके लिए वैसा फील नहीं करती। मीना हानी को बोलती है, लेकिन सिर्फ जुन ही है जो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है। इवन जुन सियोंग से ज्यादा बेटर है और वैसे सियोंग हेरा से शादी कर रहा है। दोनों फ्रेंड्स हानी को सोच समझकर फैसला लेने को कहती है। हानी अपनी फ्रेंड्स की बात को सुनकर कहती है, ठीक है। साथ ही हानी इस बात को मानती है, जुन हमेशा सियोंग से ज्यादा उसकी परवाह करता है। जुन हानी को अपनी फैमिली जैसा लगता है पर अपना प्यार नहीं। रास्ते में हानी सियोंग और हेरा से टकरा जाती है और सियोंग हानी को अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करता है और हानी के फादर के रेस्टोरेंट में ही लंच के लिए जाता है। हेरा सियोंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये सब देखकर हानी के दिल पर तीर चुभ रहे होते हैं, पर हानी की ऐसी हालत देखकर फादर पर सियोंग की गेम रिलीज का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। इसके बाद हेरा सियोंग के साथ उसके घर जाती है। सियोंग के फादर से मिलने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मदर हेरा को वहाँ देखकर खुश नहीं होती क्योंकि मदर सिर्फ हानी को ही अपने डॉटर इन लॉ मानती है। हानी मदर के लिए केक लाती है और हेरा राइस केक। मदर केक खाने का डिसाइड करती है। हेरा हानी को और जलाने के लिए सियोंग को राइस केक अपने हाथों से खिलाती है। मदर हेरा के सामने सियोंग की बुराई करना स्टार्ट कर देती है। ये बोरिंग है, अपने में लगा रहता है, इसे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, कोई मजा नहीं है इसके लाइफ में। लेकिन हेरा बोलती है, हम दोनों सेम ही है। मदर देखती है हेरा पर कोई असर नहीं हो रहा उनकी बातों का। सियोंग की और तारीफ करती है, सियोंग लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, ये कुछ भी अच्छे शब्द उन्हें नहीं बोल सकता, बल्कि लव लेटर में गलतियां निकाल कर ठीक कर उसे वापस देने वाला व्यक्ति है। हेरा ये सुनकर बोलती है, सच्ची मैंने भी ऐसा किया है। ये सुनकर हानी को तो और भी गुस्सा आता है, दोनों एक ही जैसे हैं। मदर सियोंग की तारीफ जारी रखती है और हेरा को बोलती है, तुम्हें सियोंग स्मार्ट लगता होगा पर ये है नहीं, क्योंकि ये डम है, इसे खुद की फीलिंग के बारे में नहीं पता। जिसे ये पसंद करता है हमेशा उसके साथ रूट रहता है और उसे हर्ट करता है, इसलिए लोगों की फीलिंग से डरता है, मैथ के क्वेश्चन की तरह आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता। हेरा के जाने के बाद सियोंग मदर को बोलता है, अगर आप हानी को पसंद करती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे मुझ पर थोपोगी। मदर सियोंग को बोलती है, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। लेकिन सियोंग अपनी मदर को बोलता है, प्लीज आप मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। इंजू अपने भाई सियोंग से जाकर पूछता है, आप सच में हेरा को पसंद करते हो? सियोंग बोलता है, वो मेरे लिए एकदम सही मैच है। इंजू को पता है सियोंग झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने सियोंग को हानी को किस करते हुए देखा था। हानी के फादर का दिल टूट जाता है, उन्होंने हानी और सियोंग की शादी के सपने देख लिए थे पर टूट गए हैं। हानी जुन से मिलने जाती है।
अर्जुन हानि को बोलता है, अभी तक तुमने मेरे प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया। क्या अभी भी तुम सियोंग को पसंद करती हो, जबकि वो तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है? जुन डेस्परेटली हानि को बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसके करीब आता है। हानि जुन को रुकने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तेज बारिश हो रही होती है। हानि भीगते हुए घर के पास पहुँचती है। सियोंग छाता लेकर हानि का वेट कर रहा होता है। सियोंग हानि से पूछता है, तुमने जुन के प्रपोजल का क्या जवाब दिया? हानि सियोंग को बोलती है, मैंने उसे कोई भी जवाब दिया हो, इससे तुम्हें क्या मतलब? सियोंग हानि से पूछता है, तुम जुन को पसंद करती हो? हानि बोलती है, जुन मुझे 4 साल से पसंद करता है, तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ। सियोंग हानि को बोलता है, कोई भी तुम्हें कहेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम उसे पसंद करने लग जाओगी। हानि सियोंग को बोलती है, क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे पीछे भागते हुए। एक ही लड़का है जो मुझे पसंद करता है, वो है जुन, इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। सियोंग हानि को बोलता है, तुम सिर्फ मुझे पसंद करती हो और किसी को नहीं कर सकती। और हानि को किस करता है, अपना लव हानि को कन्फेस करता है और हानि को बोलता है, दोबारा कभी मत बोलना तुम किसी और को पसंद करती हो। सियोंग घर पर सबको बताता है, मैं हानि से शादी करना चाहता हूँ ग्रेजुएट होने के बाद। के फादर सियोंग को बोलते हैं, तुम सीरियस हो? क्योंकि हानि को कुछ नहीं आता, एक किसी भी चीज में अच्छी नहीं है, खाना बनाना नहीं जानती, जीनियस नहीं है, आए दिन मुसीबत खड़ी करती है। सियोंग हानि के फादर को बोलता है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि के फादर दोनों की मैरिज के लिए एग्री हो जाते हैं और मदर तो खुशी से पागल हो जाती है। हानि को विश्वास नहीं होता सियोंग सच में उसे शादी करना चाहता है या फिर अगली सुबह फिर से हानि के साथ रूढ़ बिहेव करेगा और उसका सपना टूट जाएगा। सियोंग हानि को हक करके उसे विश्वास दिलाता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हानि एक्साइटेड होकर अपनी खुशी मीना और ज्यूरी के साथ जाकर शेयर करती है। जुन हानि के साथ लास्ट नाइट के बिहेवियर की माफी मांगना चाहता है, इसलिए हानि के लिए लंच बनाकर कॉलेज देने जाता है। कॉलेज में जुन को हानि और सियोंग की शादी के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ सियोंग भी हेरा को इन्फॉर्म कर देता है, पर हेरा को पता होता है सियोंग हानि को पहले से ही पसंद करता था, बस मान नहीं रहा था, और दोनों अच्छे दोस्त रहने का डिसाइड करते हैं। 4 लोगों का दिल टूटने से अच्छा है 2 लोगों का दिल टूट जाए। 당신은 내 인생의 내비게이션। हानि अपने और सियोंग के बारे में बताने जुन के पास जाती है, लेकिन जुन को पहले से ही सब कुछ पता होता है, इसलिए हानि को इग्नोर करता है क्योंकि वह नहीं सुनना चाहता जो हानि उसे बताने वाली है। तभी सियोंग वहाँ आता है और जुन को बोलता है, मैं हानि को पसंद करता हूँ, मुझे और हानि को डेट करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, पर तुम हानि के लिए इम्पोर्टेंट हो इसलिए बता रहा हूँ। जुन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और हानि को बोलता है, मुझे सब पहले से ही पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और हानि को बोलता है, तुम्हारे लड़कों में सच में चॉइस खराब है, अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी रिग्रेट हो तो मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा। जुन सियोंग को बोलता है, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, अगर कभी भी हानि की आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हारी आंखों से खून के आंसू निकाल दूंगा। सियोंग बोलता है, मैं समझ गया, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। दूसरी ओर हेरा के ग्रैंडफादर, हेरा और सियोंग की मैरिज कैंसिल होने के बावजूद भी सियोंग के फादर की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सियोंग के फादर सियोंग को कंपनी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हानि को अपने एग्जाम का रिजल्ट मिलता है। हानि के ग्रेड्स अच्छे नहीं होते तो सियोंग को बोलती है, मैं कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ। सियोंग हानि को बोलता है, सही है, अब तुम्हें मुझे फॉलो थोड़ी करना है, मैं मिल गया हूँ, पढ़ाई में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। हानि सियोंग को बोलती है, मैं तुम्हारी तरह होशियार नहीं हूँ, हम जैसे स्टूडेंट का स्ट्रगल तुम नहीं समझ सकते। और गुस्से में सियोंग को बोलती है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सियोंग हानि को बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम ये भी कर सकती हो, तो जाओ कर दिखाओ। हानि अपना सामान उठाकर चली जाती है। सियोंग हानि को जाने देता है ताकि हानि बाहर निकलकर कुछ सीखे, सब कुछ आसान नहीं होता, और हानि इसलिए चली जाती है ताकि सियोंग को सबक सिखा सके। हानि नेक्स्ट डे कॉलेज में जाकर देखती है, सियोंग उसके बिना खुश है, मजे कर रहा है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके जाने से। हानि यह देखकर डिसाइड करती है, किसी भी हाल में मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हानि के बिना मदर अपसेट हो जाती है और उसके लिए परेशान हो जाती है। मीना की फैमिली उसके साथ रहती है तो मीना हानि को वापस घर जाने को कहती है, पर हानि नहीं जाती। आधी रात को रहने के लिए जगह ढूंढती है
रोड पर उल्टे सीधे लोग मिलते हैं। दूसरी तरफ सियोंग भी हानी के लिए परेशान होता है, पर हानी को सिखाने के लिए उसे अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए छोड़ देता है। हानी को एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है और रहने की जगह भी। हानी वहाँ बहुत कुछ सीखती है। सियोंग को हानी की फ्रेंड से पता चल जाता है हानी रेस्टोरेंट में काम करती है। सियोंग हानी के पास जाता है। हानी सियोंग को देखकर शॉक हो जाती है। हानी सियोंग को बताती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। और सियोंग को बताती है, मुझे पता चल गया है मुझे आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे नर्स बनना है, चाहे ये कितना भी मुश्किल हो मैं इसे करूँगी। सियोंग ये देख कर की हानी को रियलाइज हो गया है तो उसे वापस घर चलने को कहता है। इसके बाद मदर सभी को बताती है इस वेनसडे सियोंग और हानी की वेडिंग सेरेमनी होगी। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। सियोंग मदर को बोलता है, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। मदर बोलती है, डिले करने का कोई मतलब नहीं है, करनी तो है ही, अभी कर लो। मदर के आगे किसी की नहीं चलती। हानी के फादर ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इतनी जल्दी वो शादी की तैयारी कैसे करेंगे। मदर हानी के फादर को बोलती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ रहते हैं, मिलकर सब हो जाएगा। इसके बाद हानी सियोंग के साथ रिंग खरीदने जाती है। सियोंग हानी को रिंग खरीदने से मना कर देता है। हानी बोलती है, ये प्यार का सिंबल होता है। सियोंग बोलता है, मेटल की चीज भला प्यार का सिंबल कैसे हो सकती है। हानी सियोंग को बोलती है, चुपचाप ले लो, पता कैसे चलेगा कि हम मैरिड हैं। सियोंग हानी को बोलता है, इसका मतलब ये प्यार का सिंबल नहीं है, ये दिखाने की चीज है कि ये मेरी है। इसके बाद हानी सियोंग को वेडिंग ड्रेस साथ लेने चलने को कहती है, वो भी सियोंग नहीं करता। हानी सियोंग से पूछती है, तुम ये सब नहीं करना चाहते तो शादी के लिए हाँ क्यों बोला। सियोंग बोलता है, अब तो मुझे भी रिग्रेट हो रहा है, मुझे लगता है मुझे एक बार और सोचना होगा। हानी ये सुनकर अपसेट हो जाती है। इसके बाद सियोंग हानी को उसकी मदर के मेमोरियल पर लेकर जाता है, क्योंकि सियोंग हानी की मदर को ग्रीट करना चाहता है हानी के हस्बैंड के रूप में। हानी देखती है सियोंग को उसकी फैमिली की कितनी परवाह है। इसके बाद हानी सियोंग को हनीमून के लिए जीजूलैंड चलने को बोलती है। सियोंग मान जाता है। हानी के फ्रेंड्स हानी को फर्स्ट नाइट की टिप्स देते हैं और उसे चिढ़ाती हैं। हानी के फादर की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी बेटी को विदा करने का समय आ गया है। हानी अपने फादर के साथ साथ में कुछ पल बिताती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी और सियोंग का वेडिंग डे होता है। सभी बहुत खुश होते हैं। हानी की टीचर भी शादी में आती है और सियोंग और हानी के लिए खुश होती है। इसके बाद वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। 나 백승조는 신부 오한이를 맞아 어떠한 경우라도 한시 사랑하고 존중하며 어른을 공경하고 진실한 남편으로서의 도리를 다할 아내로서의 도리를 다할 것을 맹세합니다. 시옹의 father 하니의 father과 shukriya ada karte hain apni beti ki shaadi unke bete se karane ke liye. 하니의 father 시옹 ko apni beti ka zindagi bhar saath dene ko kehte hain. इसके बाद हानी सियोंग को डेस्परेटली किस करती है। बेचारा सियोंग घबरा जाता है और सभी हंसने लग जाते हैं। हानी और सियोंग जीजूलैंड हनीमून के लिए जाते हैं। दोनों होटल पहुंचते हैं। होटल में हानी और सियोंग को एक और कपल मिलता है। लेडी ने अपने हस्बैंड को नौकर बना रखा होता है। उस लेडी का नाम ह्योन है। ह्योन सियोंग से बात करने की कोशिश करती है। हानी को ह्योन सही नहीं लगती और सियोंग को वहाँ से ले जाती है। ह्योन बार बार हानी और सियोंग के पास आ जाती है। हानी उसे देखकर इरिटेट हो रही होती है और गुस्से में ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। हानी और सियोंग घूमने जाते हैं। ह्योन अपने हस्बैंड को छोड़कर सियोंग के पास जाती है और सियोंग को अपने साथ लेकर चली जाती है और उसके साथ घूमती है। ये सब देखकर हानी ह्योन के हस्बैंड से बोलती है, तुम सच में इसके हस्बैंड हो तो संभाल कर रखो अपनी वाइफ को। ह्योन का हस्बैंड हानी को बोलता है, मुझे भी अपनी वाइफ की फिक्र है, कहीं सियोंग कुछ फायदा ना उठाए। हानी बोलती है, सियोंग ऐसा लड़का नहीं है जो किसी के साथ भी ऐसा कुछ करे। ह्योन का हस्बैंड हानी को बोलता है, तुम क्या बोलना चाहती हो, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ सीधी सादी और भूली भाली है, वो लोगों के साथ इजिली फ्रेंडली हो जाती है, किसी का बेनिफिट नहीं उठाती। हानी अपने हस्बैंड को ह्योन से खींच कर ले जाती है, लेकिन फिर भी ह्योन सियोंग का पीछा नहीं छोड़ती। हानी ह्योन से पूरी तरह से परेशान हो जाती है। इसके बाद हानी सियोंग के साथ बाहर जाने वाली होती है, तभी ह्योन का हस्बैंड हानी और सियोंग के रूम में आता है और सियोंग को जल्दी से अपने रूम में चलने को कहता है। उसकी वाइफ की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। उन्हें पता है सियोंग मेडिकल डिपार्टमेंट से है। सियोंग ह्योन को चेक करता है।
हानी सियोंग पर चिल्लाती है, सियोंग को टच करने से तुम्हें ऐसे लड़की को टच नहीं करना चाहिए। सियोंग हानी को बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम भूल गई हो जिस लड़की से तुमने शादी की है वो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाला है। तुम बीमार लोगों से ऐसे जेलिस होगी जब मैं उन्हें देखूंगा। हानी रोते हुए वहां से चली जाती है। सियोंग हानी को मनाने उसके पास जाता है और उससे बोलता है, तुम तो चाहती थी हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, तो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गई। लेकिन हानी कुछ नहीं बोलती। सियोंग हानी से पूछता है, अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो। हानी बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। सियोंग हानी को हंसाने के लिए उसे गुदगुदी करता है। इसके बाद दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। हानी और सियोंग अपना हनीमून बनाकर घर वापस आ जाते हैं। मदर सियोंग और हानी को साथ जाकर शादी रजिस्टर करने को कहती है। सियोंग बोलता है, अभी मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, मुझे एक और बार सोचना होगा। ये सुनकर हानी डर जाती है और सियोंग से पूछती है, क्यों, अब क्या हुआ। सियोंग हानी को बोलता है, सबसे पहले नर्स के कोर्स में एडमिशन के लिए टेस्ट पास करूं, तभी मैं हमारी शादी रजिस्टर कराऊंगा। हानी सियोंग को बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सियोंग हानी को बोलता है, क्यों, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। हानी सियोंग से पूछती है, इसका मतलब है जब तक मैं टेस्ट पास नहीं कर लेती तो मैरिज रजिस्टर नहीं कराओगे, और अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो। सियोंग हानी को बोलता है, मुझे तुम पर विश्वास है, एक दिन तुम जरूर कर लोगी। ये कहकर सियोंग वहां से चला जाता है। हानी सोचती है, ये फिर खेल कर चला गया, सुधरेगा नहीं। इसके बाद हानी और सियोंग कपल बाइसाइकिल पर कॉलेज जाते हैं। हेरा उन दोनों के पास आती है। हेरा नोटिस करती है सियोंग ने अपनी मैरिज की रिंग नहीं पहनी है और सियोंग से पूछती है। सियोंग हेरा को बताता है, मैंने रिंग इसलिए नहीं पहनी क्योंकि अभी तक मैंने अपनी शादी रजिस्टर नहीं कराई है। हेरा ये सुनकर हानी को बोलती है, इसका मतलब है मेरे पास अभी भी चांस है, और हेरा को चिढ़ाने के लिए सियोंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। हानी मदर से जाकर पूछती है, क्या करूं मैं, अभी तक मैरिज का लाइसेंस नहीं मिला। मदर इंटरनेट पर चेक करके हानी को बताती है, सब हो जाएगा, बस तुम सियोंग का आईडी प्रूफ कैसे भी कर ले लो। सियोंग शावर लेने गया होता है। हानी पीछे से सियोंग के वॉलेट से उसका आईडी प्रूफ निकालने की कोशिश करती है। तभी सियोंग हानी को देख लेता है और हानी को बोलता है, मेरा वॉलेट क्यों चेक कर रही हो। हानी बोलती है, मैं तो बस तुम्हारा वॉलेट देख रही थी, कितना क्यूट है। सियोंग हानी से अपना वॉलेट ले लेता है और बोलता है, शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड का वॉलेट चेक करती हो। हानी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सियोंग अपना वॉलेट पिलो के नीचे रख देता है। हानी देख लेती है। रात को हानी सियोंग के सोने के बाद सियोंग के पिलो के नीचे से वॉलेट निकाल लेती है और उसमें से सियोंग का आईडी प्रूफ भी। मदर और हानी नेक्स्ट डे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है सियोंग ने ऑलरेडी मैरिज रजिस्टर करा दी है। सियोंग ने यह सब हानी को स्टडी कराने के लिए किया था। सियोंग हानी को बोलता है, तुमने मुझे निराश कर दिया। हानी सियोंग को बोलती है, एनी हाउ टेस्ट पास कर दिखाऊंगी। वहीं दूसरी ओर क्वांग भी हेरा को हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। सियोंग हानी को एग्जाम की तैयारी कराता है। हानी सियोंग को बोलती है, अगर मैंने एग्जाम पास कर लिया तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, क्योंकि हमारी शादी हो गई है पर हम अभी तक एक बार भी डेट पर नहीं गए। सियोंग एग्री हो जाता है। इसके बाद हानी सियोंग के साथ CPR की प्रैक्टिस करती है, पर सियोंग को देखकर हानी से नहीं होता। सियोंग हानी को बोलता है, मरीजों के साथ ऐसे करोगी। हानी बोलती है, तुम्हारी बात कुछ और है। दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी सियोंग का भाई इंजर्ड रूम में आ जाता है। जो हानी और सियोंग को बोलता है, तुम्हारे साथ वाले रूम में तुम्हारा छोटा भाई रहता है तो थोड़ा ध्यान रखो। हानी और सियोंग किंजो को सोरे बोलते हैं। इसके बाद हानी टेस्ट देने जाती है पर काफी नर्वस होती है। हानी का रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल होता है। हानी डमी के साथ CPR सही से नहीं कर पाती, घबरा जाती है। टीचर उसे फेल कर देती है और हानी को बोलती है, ऐसे तुम मरीजों को बचाओगी या मारोगी। हानी घर जाकर बताती है उसका प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हुआ और अपसेट हो जाती है। सियोंग हानी का मूड ठीक करने के लिए उसे बोलता है, अब तो हम डेट पर नहीं जा पाएंगे पर कोई बात नहीं, आज शाम हम दोनों साथ में डिनर पर चलेंगे। हानी खुश हो जाती है और शाम को रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। रास्ते में हानी को एक लेडी बेहोश हुई मिलती है। हानी हिम्मत करके उसे चेक करती है और CPR देती है और किसी को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। उस लेडी के साथ से चलने लग जाती है। हानी उस लेडी के साथ हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर हानी को बताता है, वो लेडी ठीक है, टाइम पर तुमने उसे बचा लिया। इसके बाद हानी रेस्टोरेंट पहुंचती है।
और काफी लेट हो जाती है। उसे लगता है अब तो सियोंग वहाँ से चला गया होगा, लेकिन सियोंग वहाँ हानि का इंतजार कर रहा होता है। हानि सियोंग को बताती है एक लेडी के साथ इंसिडेंट हो गया था, इसलिए वह लेट हो गई। सियोंग हानि को बोलता है, कोई बात नहीं, बस तुम मुझे कॉल कर बता देती क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ जुन को भी एक लड़की मिल जाती है जो इंग्लैंड से कोरिया आई होती है और जुन को एक नजर में ही पसंद करने लग जाती है और जुन के साथ रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है। हानि को उस लेडी की जान बचाकर हिम्मत आ जाती है और सियोंग को बोलती है, मैं हार नहीं मानूंगी, दोबारा नर्स के लिए अप्लाई करूंगी। सियोंग ये सुनकर खुश हो जाता है, उसकी वाइफ ने हार नहीं मानी। हानि का एडमिशन नर्स स्कूल में हो जाता है। संडे का दिन होता है, दोनों सो रहे होते हैं। हानि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। सियोंग हानि को थोड़ी देर और सोने के लिए कहता है, वैसे भी आज संडे है। हानि सियोंग को बोलती है, सभी बाहर ट्रिप पर गए हैं, घर में बस हम दोनों हैं, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। सियोंग हानि को बोलता है, जस्ट 5 मिनट और मेरे साथ सो जाओ। इसके बाद अलार्म बजता है। ये सब हानि की इमेजिनेशन होती है। सियोंग अलार्म की आवाज से उठता है और हानि पर चिल्लाता है, अभी तक सूरज नहीं निकला तो तुमने इतनी जल्दी का अलार्म क्यों लगा रखा है, ऊपर से आज संडे भी है। हानि सियोंग को घूरती है। सियोंग हानि को बोलता है, अपनी सूजी हुई आंखों से मुझे ऐसे मत घूरो, और सो जाता है। हानि सियोंग के लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ग्रोसरी लेने जाती है। सुपरमार्केट में एक लेडी हानि को न्यू ब्राइड बोलती है। यह सुनकर हानि इतनी खुश होती है कि उस लेडी की दुकान से सारी सब्जी लगभग खरीद ही लेती है। सियोंग हानि की ग्रोसरी की शॉपिंग देखकर बोलता है, ये सिर्फ एक दिन के ब्रेकफास्ट का सामान है। हानि सियोंग को बोलती है, ऐसे मत बोलो, मैंने कितना इंतजार किया है इस दिन का। सियोंग को हानि पर डाउट होता है, तुम सच में नाश्ता बना लोगी, क्योंकि सियोंग को पता है हानि कितना अच्छा खाना बनाती है और पहले भी खिला चुकी है। हानि सियोंग को बोलती है, बिल्कुल, मैं न्यू ब्राइड हूँ और मैं अपने हबी को भूखा कैसे मार सकती हूँ। सियोंग हानि को बोलता है, क्या हबी? हानि सियोंग को बोलती है, हबी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तुम तब तक शावर लेकर आओ। सियोंग हानि की अजीब बातों को सुनकर बोलता है, क्या तुम नई दुल्हन होने का रोल प्ले कर रही हो, ड्रामा की तरह? हानि सियोंग को बोलती है, ये सब छोड़ो, जल्दी जाओ, और सियोंग को बोलती है, इसके बाद हम दोनों मिलकर साथ में कपड़े धोएंगे। हानि ने सियोंग के साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी तैयारी की होती है। हानि सियोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन सियोंग हानि के बिना ही इतने सारे कपड़े धो देता है और देखता है उसकी वाइफ कपड़ों को लॉन्ड्री में डालने से पहले पॉकेट से पैसे पर्स और की निकालना भूल गई है हमेशा की तरह। दूसरी ओर हानि ब्रेकफास्ट फिर से जला देती है। सियोंग ब्रेकफास्ट देखकर बोलता है, ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, पहचान में नहीं आ रहा है। ये नाश्ता बनाया है न्यू ब्राइड हानि ने अपने हबी के लिए। दोनों को फ्रूट खाकर ही काम चलाना पड़ता है। सियोंग को हानि के सारे प्लान के बारे में पहले से ही पता होता है। हानि रात को इंटरनेट पर सर्च कर बड़बड़ा रही होती है तो सियोंग सुन लेता है। हानि अपसेट हो जाती है। सियोंग हानि को मूवी देखने साथ चलने को कहता है। हानि सियोंग को कपल आउटफिट पहना देती है। हानि सियोंग को बोलती है, तुम प्रिटी लग रहे हो। सियोंग हानि को बोलता है, सब हमें घूर रहे हैं। हानि बोलती है, तो क्या हुआ, फिर भी तुम प्रिटी लग रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि कॉलेज में होती है और इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। हानि से इंजेक्शन नहीं लगता क्योंकि वह डर जाती है और उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। हानि निराश होकर कैंटीन में बैठी होती है। तभी सियोंग हानि के पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ। हानि अपनी परेशानी सियोंग को बताती है, मुझे इंजेक्शन लगाते वक्त डर लगता है और हाथ कांप जाते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। सियोंग हानि को बोलता है, नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो, दूसरों पर बोझ मत बनो। ऐसे भी तुम नर्स इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। हानि सियोंग को बोलती है, शर्म नहीं आती अपनी वाइफ को नेगेटिव करते हुए, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। सियोंग हानि को बोलता है, पहले तुमने ही कहा था तुमसे नहीं होगा। हानि बोलती है, हेल्प कर सकते हो तो बताओ। सियोंग हानि को बोलता है, किसी को जाकर पकड़ो और उस पर प्रैक्टिस करो, और हानि की इंसल्ट करता है, मुझे ऐसे नर्स के साथ काम नहीं करना जो एक बेसिक इंजेक्शन भी नहीं लगा पाती। हानि प्रैक्टिस करने के लिए पहले जूरी को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे बटर लगाने के लिए पहले खिलाती है और फिर जूरी से पूछती है, हम पक्के दोस्त हैं ना। जूरी बोलती है, हाँ बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। हानि खुश हो जाती है और फिर अपने बैग में से इंजेक्शन लगाने के लिए निकालती है। जूरी डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हानि मीना के पास जाती है
मीना पहले से ही तैयारी के साथ आई होती है, क्योंकि जूरी ने मीना को बता दिया है हानी इंजेक्शन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें भी बुला सकती है। मीना हानी को प्रैक्टिस करने के लिए टेडी बियर दे देती है। हानी अपसेट हो जाती है, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए हानी टेडी बियर के साथ ही प्रैक्टिस करती है। सियोंग हानी को देख रहा होता है और हानी की बेवकूफी भरी हरकतों पर हंसता है। टेडी बियर पर प्रैक्टिस करने के बाद हानी को लगता है शायद उसे इंजेक्शन लगाना आ गया है, इसलिए नेक्स्ट डे हानी हॉस्पिटल में अपने एक साथी की इंजेक्शन लगाती है, पर गड़बड़ हो जाती है। हानी अपसेट होकर घर में बैठी होती है। सियोंग हानी के मूड को देखते हुए उसकी हेल्प करता है और हानी को उसे इंजेक्शन लगाकर प्रैक्टिस करने को कहता है। सियोंग पर 2-3 बार ट्राई करने के बाद हानी सीख ही जाती है, लेकिन हानी परफेक्ट होने के लिए सियोंग पर और ट्राई करना चाहती है। सियोंग हानी से बचकर पूरे घर में भाग रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोंग हानी को कॉलेज चलने को कहता है। हानी जाने से मना कर देती है, मुझे आज अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सियोंग हानी को मदर से मेडिसिन लेने को कहता है। हानी मदर के पास जाती है। हानी मदर को बताती है मुझे आज खट्टा खाने का मन कर रहा है। मदर को लगता है हानी प्रेग्नेंट है और खुशी से पागल हो जाती है। हानी भी कुछ नहीं बोलती और मदर की बातों पर बिलीव कर लेती है, और दूसरी ओर मदर सभी को इन्फॉर्म कर देती है, यहाँ तक कि हानी के कॉलेज में भी। दूसरी ओर हानी खुश हो जाती है और सोचती है सियोंग को पता चलेगा तो क्या बोलेगा। सियोंग घर आता है, सभी बहुत खुश होते हैं। सियोंग सबसे पूछता है क्या हुआ। मदर सियोंग को बताती है हानी प्रेग्नेंट है। सियोंग हानी को बोलता है क्या अभी तक कोई टेस्ट करवाया है। हानी बोलती है मदर ने कहा है तो होगा ही ना। सियोंग हानी को बोलता है जब तुम श्योर नहीं हो तो तुम ये कैसे कह सकती हो, और हानी को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर हानी और सियोंग को बताता है हानी प्रेग्नेंट नहीं है, थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया था। घर में ये बात सबको पता चल जाती है और सभी अपसेट हो जाते हैं। सियोंग हानी के पास जाता है और उससे पूछता है तुम अभी भी अपसेट हो। हानी बोलती है मैं बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे पास तुम्हारा बेबी होगा जो तुम्हारी तरह होगा। सियोंग हानी को बोलता है अगर बेबी तुम्हारी तरह भी होगा तो भी चलेगा। हानी सियोंग को बोलती है तुम मुझे छेड़ने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना। सियोंग हानी को बोलता है बेबी तुम्हारी तरह सुंदर हो पर उसका दिमाग तुम्हारी तरह ना हो, और हानी को उठाकर ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मदर हानी और सियोंग को बताती है सियोंग की कजन जीसू अमेरिका से यहाँ आने वाली है। जीसू और सियोंग बचपन में एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगते थे कि लोग कहते थे कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अचानक से मदर को याद आता है वो हानी के सामने क्या बोल रही है, इसलिए चुप हो जाती है और हानी को बताती है वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी बड़ी बहन की तरह। हानी ये सुनकर खुश हो जाती है। जीसू आते ही सियोंग के चिपक जाती है। हानी को जीसू पर गुस्सा आता है। जीसू आते ही डाइनिंग टेबल पर सियोंग के साथ हानी की जगह भी ले लेती है। जीसू हानी को बोलती है मुझे पता होता सियोंग पीछे से शादी कर लेगा तो मैं इसे क्लियर करके जाती कि ये मेरा है। हानी सोचती है ये क्या बोल रही है, अब ये मेरा हस्बैंड है, इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इससे पहले हानी कुछ रिएक्ट करे मदर हानी को बोलती है तुम चिंता मत करो जीसू थोड़ी फ्रेंडली रहती है। हानी मदर को बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सियोंग हानी के पास आता है और बोलता है जीसू क्यूट है ना। हानी सियोंग को बोलती है हाँ सुंदर होने के साथ काफी कॉन्फिडेंट भी है तुम्हारे साथ। सियोंग हानी को पहले से ही वार्निंग दे देता है जीसू को अपना राइवल या कुछ और मत समझने लग जाना, और हानी को बोलता है खुद को उससे कंपेयर करके खुद को अपसेट मत कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हानी बोलती है क्यों। सियोंग बोलता है जीसू तुमसे बड़ी है और उसके साथ अच्छे से पेश आना। हानी गुस्से में सो जाती है। इसके बाद हानी कॉलेज में होती है और सियोंग को वॉइस मैसेज भेजती है मैं तुम्हारा कॉलेज के बाहर इंतजार कर रही हूँ, दोनों साथ चलेंगे खाने के लिए। पर सियोंग हानी को रिप्लाई करता है मैं नहीं आ सकता, मुझे जीसू के साथ जाना पड़ेगा। सियोंग के रिप्लाई के बाद हानी के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, पर खुद को समझाती है वो बस एक लड़की के साथ ही तो गया है उसके लिए उसकी सिस्टर जैसी है। इसके बाद जीसू हानी के पास आती है और उससे पूछती है सियोंग एक अच्छा किसर है। हानी चौंक जाती है ये क्या पूछ रही है। जीसू बताती है मेरी फर्स्ट किस मुझे सियोंग ने दी थी और मैं श्योर हूँ मैं ही उसकी फर्स्ट किस थी। जीसू आग लगाकर वहाँ से चली जाती है, जिसका बदला हानी रात को सियोंग से लेती है और उसे चैन से सोने नहीं देती, क्योंकि हानी सियोंग से जानना चाहती है उसका फर्स्ट किस कौन थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसू सियोंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। हानी उसे मना कर देती है सियोंग के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी,
ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसकी वाइफ हूँ और तुम मेहमान हो, जाकर बैठ जाओ। दोनों नहीं मानती और दोनों की लड़ाई में सामान गिर जाता है। इसके बाद हानी देखती है जीसू उसके बेडरूम में है। हानी को गुस्सा आता है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मेरा बेडरूम है। और जीसू को बोलती है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कोई दीवार नहीं है, पर ये गलत है, लिमिट में रहना चाहिए। और जीसू को तुरंत रूम से निकलने को कहती है। तभी सियोंग वहाँ आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? जीसू हानी को बोलती है, मैं बस तुम्हारे रूम में इसलिए आई थी क्योंकि देखना चाहती थी न्यूली वेड कपल का रूम कैसा होता है। हानी से सॉरी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। सियोंग हानी को डांटता है, अब तुम्हें ये कौन सी नई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम जीसू से भी चल रही हो, तुम सच में पागल हो। और सियोंग जीसू के पास जाता है और हानी के ऐसे बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। जीसू सियोंग को बोलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सियोंग को बोलती है, मुझे समझ नहीं आता तुम हानी को क्यों पसंद करते हो, वो सुंदर भी नहीं है। जीसू सियोंग को बोलती है, तुम्हें पता है मुझे कितना बड़ा शौक लगा जब मुझे पता चला तुमने किसी और से शादी कर ली है। हानी उसकी सारी बातें सुन लेती है और जीसू के पास आकर बोलती है, अगर तुम सियोंग को पसंद करती थी तो अमेरिका उसे छोड़कर क्यों गई, और अगर मुझे अपने प्यार और करियर में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं सिर्फ सियोंग को ही चुनूंगी। इवन मैं तो सियोंग के बिना अपना एक दिन भी नहीं बिता सकती, यहाँ तक कि मुझे सैटरडे संडे और वेकेशन भी अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उस दिन मैं सियोंग को देख नहीं पाती थी। जीसू हानी को बोलती है, ये तुम्हारी फीलिंग है सियोंग के लिए, सियोंग की नहीं। हानी चुप हो जाती है क्योंकि इसका जवाब उसके पास नहीं होता और वहाँ से चली जाती है। सियोंग जीसू को बोलता है, यही कारण है मैं हानी को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं उसे इस मैटर में हेल्प नहीं कर सकता, पर उसकी यही चीज मुझे अट्रैक्ट करती है। सियोंग हानी को जाकर मनाता है और उससे पूछता है, रो क्यों रही हो? हानी सियोंग को बोलती है, मुझे डर लग रहा था मैं तुम्हें खो दूंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। सियोंग हानी को बोलता है, तुम्हें मैंने चुना है और तुम मेरे लिए एक ही हो इस दुनिया में। हानी और सियोंग को सेम हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है, सियोंग डॉक्टर बन जाता है और हानी नर्स, पर सियोंग हॉस्पिटल में काफी बिजी रहता है इसलिए सियोंग कभी कभी 4-5 दिन तक घर भी नहीं जा पाता। हानी हॉस्पिटल में होती है, कुछ नर्स हानी के सामने उसके हस्बैंड की तारीफ करती हैं हानी को चिढ़ाने के लिए। सियोंग कितना हैंडसम है, उसकी वाइफ को कितना दुख हो रहा होगा, हॉस्पिटल के चक्कर में उसका हस्बैंड घर तक नहीं जा पाता, दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल पाता। दूसरी नर्स हानी को बोलती है, सियोंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, पता नहीं उसकी वाइफ उसका ध्यान रखती है या नहीं, उसका हस्बैंड दिन रात काम करता रहता है। हानी उन दोनों को लंच बॉक्स दिखाती है, देखो सियोंग के लिए बनाया है, मैंने इसमें सारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है अपने डॉक्टर सियोंग के लिए। हानी सियोंग को लंच देने के लिए पूरे हॉस्पिटल में ढूंढती है पर नहीं मिलता। हानी हॉस्पिटल से बाहर जाती है, सियोंग उसे दिखता है, हानी सियोंग की तरफ भागती है और स्टेयर से उतरते समय हानी का पैर मुड़ जाता है और सियोंग पर गिर जाती है। सियोंग बेहोश हो जाता है, हानी सियोंग की ऐसी हालत देखकर रोने लग जाती है और प्रे करती है जल्दी से सियोंग को होश आ जाए। डॉक्टर हानी को बताता है, सियोंग की सिर्फ एंकल में फ्रैक्चर आया है और इतनी देर से इसलिए बेहोश है क्योंकि काफी दिनों से सोया नहीं है। हानी यह सुनकर खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। सियोंग हानी की आवाज सुनकर तभी जाग जाता है। हानी सियोंग का ध्यान रखने की ड्यूटी हॉस्पिटल में खुद ही ले लेती है। हानी सियोंग का बड़े अच्छे से ध्यान रखती है, सारा दिन सियोंग के साथ ही रहती है, एक पल के लिए भी सियोंग को अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद हानी को एक डॉक्टर सियोंग के रूम के बाहर मिलता है। डॉक्टर हानी को बताता है, मुझे सियोंग से काम है, उसे सारे पेशेंट के चार्ट बनाने के लिए देने हैं जिन्हें सियोंग देख रहा है। हानी डॉक्टर को बोलती है, अभी सियोंग की तबीयत ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर हानी को बोलता है, फ्रैक्चर ही हुआ है, वो भी पैर में, हाथों में नहीं, काम किया जा सकता है। लेकिन हानी डॉक्टर को मना कर देती है और अंदर जाने से रोकती है, डॉक्टर भी नहीं मानता तो हानी डॉक्टर से सारे चार्ट ले लेती है और बोलती है, मैं सियोंग को दे दूंगी। लेकिन हानी नहीं देती और खुद ही उल्टा सीधा करने लग जाती है और डॉक्टर को दे आती है। डॉक्टर सारे चार्ट सियोंग के पास लाता है और उसे डांटता है, ये तुमने क्या किया है, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता ये हानी ने किया है। सियोंग को भी समझ नहीं आता डॉक्टर उस पर भड़क क्यों रहा है। सियोंग चार्ट देखता है और समझ जाता है ये हानी ने किया है। सियोंग डॉक्टर को बोलता है, मैं ठीक करके आपको दे देता हूँ। हानी सियोंग के रूम में आती है और सियोंग को काम करता हुआ देखकर उसे करने से मना करती है। सियोंग हानी को बोलता है, ये सब गड़बड़ तुमने ही की है।
तुम एक नर्स हो, जिम्मेदारी को कैसे भूल सकती हो। हानि सियोंग को बोलती है, मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम इतने दिनों तक काम की वजह से रेस्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और मैं चाहती थी कि तुम्हें थोड़ा और रेस्ट मिल जाए, इसलिए मैंने ये सब किया। हानि रोने लग जाती है और सियोंग को बोलती है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं अच्छा करने की, पर कुछ भी सही नहीं होता और मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूं। ये सुनकर सियोंग हानि को बोलता है, मैं तुम्हें गिरने से नहीं बचा पाया तो इसका मतलब मैं भी एक अच्छा हस्बैंड नहीं हुआ। हानि बोलती है, ऐसा नहीं है। सियोंग हानि में आए चेंजेस को देखकर खुश हो जाता है और अपनी क्यूट वाइफ को किस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, हानि को ड्राइविंग का लाइसेंस मिल जाता है। सियोंग हानि की इंसल्ट करता है, 8 बार ट्राई करने के बाद तुम्हें लाइसेंस मिला है और तुम्हें प्राउड फील हो रहा है। इसके बाद दोनों बाहर जा रहे होते हैं। हानि सियोंग की कार की की ले लेती है, मैं चलाऊंगी क्योंकि मुझे लाइसेंस मिल गया है। सियोंग को पता है हानि कितनी अच्छी गाड़ी चलाएगी, इसलिए उसे चाबी लेने की कोशिश करता है। हानि नहीं मानती और कार ड्राइव करती है और वो ही होता है जिसका सियोंग को डर था। हानि कार सही नहीं चलाती और मरते मरते दोनों बचते हैं। सियोंग हानि से की ले लेता है और खुद ही चलाता है। हानि कार में सियोंग को खूब खिलाती है और इंजॉय करती है। हानि का स्कार्फ हवा से उड़ जाता है और पेड़ पर अटक जाता है। सियोंग हानि को जानकर नीचे बैठने को कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर पेड़ से स्कार्फ उतारूंगा, और हानि बैठ भी जाती है। सियोंग देखता है हानि बैठ गई तो उसे उठाता है और उसे अपने कंधे पर बिठाता है, लेकिन हानि डर जाती है और बोलती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे स्कार्फ नहीं चाहिए। इसके बाद सियोंग हानि को ड्राइविंग करना सिखाता है, लेकिन हानि सही से नहीं चलाती। सियोंग हानि को डांटता है। हानि सियोंग को बोलती है, जिस ड्राइविंग स्कूल से मैं सीख रही थी वहाँ का टीचर मुझे अच्छे से सिखा रहा था। सियोंग हानि से पूछता है, कौन सा ड्राइविंग स्कूल था वो, मुझे अभी रिफंड मांगना है जिसने तुम्हें इतनी अच्छी ड्राइविंग सिखाई है। हानि को गुस्सा आता है और सियोंग को बोलती है, इतना ध्यान मुझे सिखाने में लगाओ। सियोंग हानि को बोलता है, तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है, हमारे बच्चों का दिमाग तुम्हारी तरह ना हो। हानि सियोंग को तुरंत कार से उतरने को कहती है। सियोंग बोलता है, मैं क्यों उतरूं। हानि गुस्से में खुद ही कार से उतर जाती है। सियोंग हानि को बुलाता है, कहाँ जा रही हो, रात स्ट्रीट पर बिताने का इरादा है क्या। हानि सियोंग का ध्यान भटकाने के लिए उसे बोलती है, वो देखो सामने पपी है। सियोंग का ध्यान स्टीयरिंग से हट जाता है और कार गड्ढे में गिर जाती है। इसके बाद हानि सियोंग को बोलती है, अभी कोई बोल रहा था किसी को कार नहीं चलानी आती, क्या तुम्हें आती है। सियोंग हानि को बोलता है, तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा कोई डेंजरस मजाक मत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, हानि के साथ काम कर रही नर्स उससे पूछती है, क्या कभी तुम्हें सियोंग ने तुम्हारे बर्थडे पर कोई प्रेजेंट दिया है। हानि बताती है, हाँ 2 साल पहले सियोंग ने पूरे रात बैठकर मेरे लिए फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लिखे थे। और नर्स हानि से पूछती है, सियोंग ने कभी तुम्हें फ्लावर्स नहीं दिए। हानि बोलती है, सियोंग थोड़ा शाय है तो उसे इस तरह की चीजें थोड़ी कम पसंद है। सियोंग ये सब सुन रहा होता है। इसके बाद हानि सियोंग के पास आती है। सियोंग हानि से पूछता है, यहाँ क्यों आई हो। हानि सियोंग को बोलती है, क्या बोल रहे हो, मैं नर्स हूँ यहाँ। सियोंग हानि को बोलता है, तो फिर मुझ पर नहीं पेशेंट पर फोकस करो। हानि सियोंग से पूछती है, तुम्हें याद है 16 को क्या है। 16 को हानि का बर्थडे होता है, पर सियोंग बोलता है, उस दिन मुझे 2 सर्जरी करनी है और पूरी रात मैं बिजी रहूंगा। हानि सियोंग को याद दिलाना चाहती है पर फिर जाने देती है। इसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। सियोंग हानि से रास्ते में पूछता है, क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है। हानि सियोंग को बोलती है, लड़की का ड्रीम होता है जिसे वो प्यार करती है उससे उसे फूल मिले, तो मुझे क्यों नहीं पसंद होंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, हानि घर में मदर के साथ होती है। मदर हानि को बोलती है, तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी रखेंगे। तभी सियोंग वहाँ आता है और मदर से पूछता है, किसी का बर्थडे है क्या। मदर सियोंग को बोलती है, तुम्हारा IQ लेवल 200 से ऊपर है पर तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट दिन याद नहीं है। 16 को हानि का बर्थडे है। सियोंग मदर को बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं याद भी नहीं रखता। हानि यह सुनकर सैड हो जाती है। मदर सियोंग को डांटती है, तुम सच में खराब हो, तुम्हें अपनी प्यारी वाइफ के बर्थडे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मदर सियोंग को बताती है, 16 को हम हानि के लिए बर्थडे पार्टी रख रही हैं। लेकिन सियोंग मदर को बोलता है, उस दिन मैं बिजी हूँ और बर्थडे तो हर साल आता है, इस साल आया है, अगले साल भी आएगा, और अगर मैं इस बार हानि के लिए कुछ नहीं कर पाया तो नेक्स्ट ईयर कर दूंगा। और मदर को बोलता है, मुझे इन सब से दूर रखो, सब ये आपस में सेलिब्रेट करो।
मदर को सियोंग की बातें सुनकर गुस्सा आता है और हानी को बोलती है उस दिन तुम सियोंग को बिल्कुल भी कॉल मत करना। हानी मदर को बोलती है कोई बात नहीं जाने दो। इसके बाद हानी रूम में आती है। सियोंग हानी को बोलता है तुम अपने बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड हो कि मदर को बता दिया। हानी सियोंग को बोलती है मैं बस मदर के लिए एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मदर सेलिब्रेट करना चाहती थी। सियोंग हानी से पूछता है ठीक है पर तुम्हें कैसी बर्थडे पार्टी चाहिए। हानी बोलती है बस हम दोनों हो, मेरा हस्बैंड मेरे लिए 100 रोज लाए और मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दे सरप्राइज के साथ और उसके बाद हम दोनों एक रेस्टोरेंट में जाएं जहां एक अच्छा सा नाइट व्यू हो और मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाए। सियोंग हानी को बोलता है सपने देखना अच्छी बात है पर उस दिन मैं बिजी हूँ। हानी सियोंग को बोलती है मुझे पता है और सो जाती है। सियोंग हानी के लिए बर्थडे की तैयारी शुरू कर देता है उसे सरप्राइज देने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है पर सियोंग वहां नहीं होता तो सभी अपसेट हो जाते हैं। तभी हानी को सियोंग का कॉल आता है, जल्दी से हानी को बाहर बुलाता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है हमें जल्दी से जाना होगा। बाहर सियोंग ने हानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कार में सारी तैयारी कर रखी होती है। हानी से पहले एक प्रेग्नेंट लेडी सियोंग के पास आती है और जल्दी से सियोंग को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। हानी भी बाहर आ जाती है। सियोंग हानी को जल्दी से कार में बैठने को बोलता है और दोनों उस लेडी को हॉस्पिटल छोड़कर आते हैं लेकिन सियोंग की सारी तैयारी खराब हो जाती है। फिर भी दोनों जो बचा है उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हानी खुश हो जाती है, फाइनली उसने सियोंग के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। सियोंग हानी को किस करता है और फिर उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है।생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는 오한 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।